हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? मॉड्यूल चैप्टर 3। ग्रेट, दिला भाई कॉफी लगेगा मेरे। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है, बाकी एडिटिंग में हो जाएगा करेक्ट। हाँ, पर है यार, लाइट में ही कम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो पीछे के साइड से लाइट ही नहीं आ रहा है। क्या वाला लाइट खराब हो गया? तो चेंज कर दो ना भाई, ऊपर से लेके आ जाओ, ऊपर क्लास ही नहीं है, और वो ग्रुपन वालों को वैसे भी लाइट चाहिए नहीं होता है ना, ये सब ज्यादा गोरे हैं ना वैसे भी। चलो, कैन वी गेट स्टार्टेड? जल्दी बैठ जाओ, वरना तुमको पब्लिक देखना शुरू कर देगा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। हमने अभी तक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 डिटेल में डिस्कस किया था। अब शुरुआत करेंगे टुडे चैप्टर नंबर 3। अगेन, द नेम इज मिसलीडिंग, कोई फायदा नहीं उनका नाम पढ़ के चैप्टर का। आई गिव यू एन ओवरव्यू, इस चैप्टर में क्या क्या है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। दिस चैप्टर सबसे पहले इंक्लूड्स योर माइकल पोर्टर्स बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, जो यहां पर आपके माइकल पोर्टर के जेनरिक स्ट्रेटजीज थे ओल्ड सिलेबस में। आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस क्या है, फोकस प्लस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस प्लस डिफरेंशिएशन, एंड एक स्ट्रेटजी था लास्ट में बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी, वो चैप्टर नंबर 3 में दिया है। दैट इज वन पार्ट। इसके अलावा इस चैप्टर में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कोर कॉम्पिटेंसी, क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है, कैसे आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल बनाएंगे, रिसोर्सेस क्या होते हैं, मतलब मेजर डिस्कशन अराउंड कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, वो भी इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है, बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑल, वो टाइम पास है, पर जो मेजर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाने वाला 2 एरियाज जो है, वो माइकल पोर्टर के बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज और जेनरिक स्ट्रेटजीज, एंड द अदर वन इज योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। वो हम मेजर फोकस करके डिस्कशन करेंगे, जहां पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है 10 मार्क के क्वेश्चंस के आने की। कैन वी गेट स्टार्टेड? आज का पहला डिस्कशन होगा ऑन माइकल पोर्टर्स बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। चैप्टर 4 में पहले आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज पढ़ाए थे, दैट इज स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, आपको फिर पढ़ाया रिट्रेंचमेंट, एंड द लास्ट वन वॉज कॉम्बिनेशन। ये सारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज थे। अब डिस्कशन शुरू होगा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के लिए। चैप्टर नंबर 3 में आइए, पेज नंबर लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 रहेगा माइकल पोर्टर स्ट्रेटजीज।
Page number 3.20. The last 10 pages are probably the most important ones. Michael Porter's generic strategies. चलिए सबसे पहले आपको ओवरव्यू देते हैं माइकल पोर्टर ने क्या क्या स्ट्रेटजीज दिए. उन्होंने बोला एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप अपने एक एसबीयू के लिए या एक बिजनेस के लिए इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी चूज कर सकते हो. एक ऑप्शन है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा है डिफरेंशिएशन, तीसरा है फोकस. उसके बाद वो कॉम्बिनेशन बनाएगा फोकस प्लस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस प्लस डिफरेंशिएशन, और लास्ट में एक ऑप्शन देगा बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर. वो कॉम्बिनेशन छोड़ दीजिए, पहले इन तीन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज फोकस. लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. अगर आपको लगता है आप ब्रॉडर मास मार्केट में डील कर रहे हो जहां पर आपको क्वांटिटी इज द इंपॉर्टेंट गेम, बड़े क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट को बेचना है, एंड आपका जो टारगेट मार्केट है वो सर हाईली प्राइस सेंसिटिव है. क्या है? हाईली प्राइस सेंसिटिव. थोड़ा बहुत भी प्राइस चेंज किया उसे फर्क पड़ेगा, बट सर वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है. क्या नहीं है? ब्रांड कॉन्शियस नहीं है. उसे प्राइस एंड बेसिक यूटिलिटी, इसमें उसका मेजर थॉट प्रोसेस है. तो एक काम कीजिए, कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने का ट्राई कीजिए. कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है आपके एक्सपीरियंस के साथ में जब आप एक ऐसे पोजीशन पे आ जाएंगे यू कैन टारगेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आप एक बड़े क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट विल बी वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री. इसकी वजह से आपके पास फ्रीडम रहेगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना कम है कि आप सेलिंग प्राइस को जब भी चाहे चैलेंज कर सकते हैं मार्केट में. दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप. यू should be the cost leader, मतलब manufacturers के comparison में आप as a manufacturer lowest possible cost पे product को बनाते हैं, जिससे आपके पास में दो power है. number one, आप कभी भी एक नए प्लेयर अगर एंटर करता है उसे अंडर प्राइस कर सकते हो. क्या कर सकते हो? अंडर प्राइस. आप सेलिंग प्राइस ही कम कर सकते हो, सामने वाले का कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगा, वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा. दूसरा चीज, कॉस्ट लीडरशिप की वजह से आप इंडस्ट्री को भी शांत रख सकते हो, कंट्रोल में रख सकते हो. तो ओवरऑल इंडस्ट्री का मार्जिन मेंटेन रहेगा, कोई प्राइस वॉर शुरू करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कॉस्ट लीडर होगा वो हमेशा प्राइस वॉर को जीतेगा. तो इस वजह से प्राइस वॉर शुरू ही नहीं होगा, और कोई अगर न्यू एंट्रेंट आ भी गया तो उसे आसानी से बिजनेस से बाहर निकाला जा सकता है. यह एक जनरल अप्रोच होता है कॉस्ट लीडरशिप के पीछे. हालांकि हम यहां पे सिंपल डिस्कशन करेंगे कि भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लोएस्ट पॉसिबल लेवल, सेलिंग प्राइस अगर सेम है, कॉस्ट कम होते जा रहा है, तो मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. यह अप्रोच कहलाएगा कॉस्ट लीडरशिप. कब सेंसिबल होगा? जब प्राइस सेंसिटिव बायर से ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, यूटिलिटी मिलना चाहिए, कम से कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट अगर मिलेगा तो शायद कॉस्ट लीडरशिप सूटेबल रहेगा. अब अगर मुझे लगता है माय कस्टमर्स आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, दे आर दोस कस्टमर्स जिनको शायद अगर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दिया तो शायद वो उसके लिए प्रीमियम प्राइस पे करने को तैयार हो जाए, तो हमें लगता है डिफरेंशिएशन चूज कर सकते हो. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्रोडक्ट के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स लाना, कुछ एडिशनल यू कैन से मॉडिफिकेशंस लेके आना, जिससे यूटिलिटी बढ़ जाता है, जिससे कस्टमर को लगता है ये प्रोडक्ट मुझे कुछ एडिशनल चीजें प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल प्रोडक्ट, और वो एडिशनल फीचर्स के लिए दे आर रेडी टू पे यू प्रीमियम प्राइस. दे आर रेडी टू पे यू अ प्रीमियम प्राइस. तो हम बोलेंगे यू कैन चूज डिफरेंशिएशन. जनरली डिफरेंशिएशन तब आता है जब आपके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं. दे आर रेडी टू पे यू अ प्रीमियम प्राइस इफ देयर इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड दे बिलीव डिफरेंशिएशन इज वैल्यूएबल फॉर माय कस्टमर. आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हो प्रोडक्ट में वो कस्टमर के लिए अगर वैल्यूएबल है तो शायद वो उसके लिए प्रीमियम प्राइस पे करने को क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा. तो हम बोलेंगे आपका स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगा if you choose differentiation. The last one is called as focus. इसका मतलब यह है कोई ऐसा टारगेट मार्केट है
जिसके लिए कोई आज स्ट्रेटेजाइज ही नहीं कर रहा है. अ टारगेट मार्केट जो सर मे बी एक नैरो मार्केट होगा. ऑब्वियसली अगर बड़ा मार्केट होता तो कोई ना कोई प्लेयर ऑलरेडी उसे टारगेट कर चुका होता. इट विल बी अ नैरो मार्केट बट उसका सफिशियंट साइज है. पर उसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है. उस मार्केट को ढूंढ करके उसके लिए प्रोडक्ट बनाया जाए, उसके लिए सर्विस प्रोवाइड किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज फोकस. मतलब आइडेंटिफाई अ नैरो मार्केट जिसके लिए कोई आज स्ट्रेटेजाइजिंग नहीं कर रहा है, उस मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप उस मार्केट को चूज करके उधर प्रोडक्ट बना सकते हो. दैट कैन बी कॉल्ड एज फोकस स्ट्रेटेजी. ये तीन अप्रोचेस हैं. हम जेन्युइनली रियल लाइफ में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस प्लस डिफरेंशिएशन, फोकस प्लस कॉस्ट लीडरशिप. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको लास्ट में, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन भी दिखा देंगे, तो वो भी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे. अभी इंडिविजुअल डिस्कशन शुरू करते हैं. कॉस्ट लीडरशिप क्या है, वो कब सूटेबल रहेगा, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं. सिमिलरली डिफरेंशिएशन पे जाएंगे एंड सिमिलरली फोकस पे जाएंगे. कैन वी गेट स्टार्टेड? लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन, कॉस्ट लीडरशिप. आइए, इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 3.21, पहला स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. क्या बोलता है ये स्ट्रेटजी, सुनिएगा. अकॉर्डिंग टू कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, हम ना उस ब्रॉडर मास मार्केट को टारगेट कर रहे हैं. ब्रॉड मास मार्केट मतलब द क्वांटिटी कैन बी ह्यूज, द वॉल्यूम्स कैन बी ह्यूज. यू आर टारगेटिंग द ब्रॉडर मास मार्केट विच इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव टारगेट मार्केट, जिन्हें सर प्राइस में थोड़ा बहुत भी अगर जंप आया तो शायद वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव हो जाएगा, किसी और ब्रांड की तरफ मूव हो जाएगा. तो हम एक कॉस्ट लीडर बनना चाहेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के टर्म्स में वी वुड वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप. रीड पॉइंट नंबर वन, इट्स अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जो फोकस करता है, मार्क द वर्ड, ब्रॉडर मास मार्केट. मतलब यहां पर आप कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो रिग्रेसली. हर एक लेवल पे आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होना चाहिए. एंड मेरा जो टारगेट मार्केट वो क्या है, ब्रॉड मास मार्केट है. एंड ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द कॉस्ट इन एनी वे. स्टोरेज कॉस्ट कम हो सकता है तो वो कम कीजिए, मार्केटिंग कॉस्ट कम कीजिए, जो भी खर्चा कम कर सकते हो करने का ट्राई कीजिए. तो नॉर्मली आपका अप्रोच कहलाता है कॉस्ट लीडरशिप. ये थियोरेटिकली, रियल लाइफ में हम हर जगह कॉस्ट कम नहीं करते. हमें लगता है ना जहां पे कॉस्ट कम करके शायद लॉन्ग टर्म में लॉस हो सकता है, वो हम अप्रोच लगाएंगे ही नहीं. फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग का कॉस्ट जीरो कर देना कैन रिड्यूस योर कॉस्ट, बट इट मे बी अ वेरी एक्सपेंसिव डिसीजन इन लॉन्गर रन. तो हर जगह कॉस्ट जबरदस्ती रिड्यूस नहीं करते हैं. जो हमारे कोर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स वाला जो कॉस्ट रहेगा, उसे हम कम करना चाहते हैं. देखिए, हम रिग्रेसली परस्यू करना चाहते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने का. प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम कर दो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दो, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दो, जैसे भी हर एक अलग अलग लेवल पे खर्चा कम हो सकता है, ताकि एक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट क्या हो जाए, लोएस्ट लेवल पे आ जाए. सो यू विल बिकम अ कॉस्ट लीडर. इस पॉइंट नंबर वन क्लियर टू यू? एक बार नंबर वन रीड कर लीजिए प्लीज. ये मीनिंग है कॉस्ट लीडरशिप का. ठीक है, अब नंबर थ्री पॉइंट पढ़िए. अ प्राइमरी रीजन फॉर परस्यूइंग, आपको पढ़ाया था याद है क्या, डाइवर्सिफिकेशन के चार टाइप्स, उनके हिसाब से दो ही थे, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट. हमने पढ़े थे चार, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट. वर्टिकल में दो ऑप्शन था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यस और नो? पॉइंट नंबर थ्री पढ़ के देखिए. अ प्राइमरी रीजन फॉर परस्यूइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, इज टू गेन, मार्क द वर्ड, कॉस्ट लीडरशिप. क्योंकि अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे तो रॉ मटेरियल आपके हाथ में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपके कंट्रोल में आएगा, तो क्या होगा, कॉस्ट लीडरशिप अचीव होगा. हॉरिजॉन्टल में दूसरे मैन्युफैक्चरर को खरीद लोगे तो वॉल्यूम गेम और बेटर हो पाएगा. दोनों केस में आप अचीव क्या करना चाहते हो, कॉस्ट लीडरशिप. कैन आई से कॉस्ट लीडरशिप कैन बी अचीव थ्रू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? इस पॉइंट नंबर थ्री क्लियर टू यू?
पक्का रीड नंबर फोर क्या बोलता है, मेन स्ट्रेटेजी क्या है, टू अंडरप्राइज द कॉम्पिटिटर, जिससे हमें मार्केट शेयर में गेन होगा, ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा एंड सर कुछ कुछ कॉम्पिटिटर्स तो शायद मार्केट से कंप्लीटली बाहर निकल जाएंगे। ये कब अचीव होगा, जब मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोएस्ट है ना, आई विल हैव दैट पावर, ये इनहेरेंट पावर आ जाएगा, मैं जब चाहूं प्राइस रिड्यूस कर सकता हूं, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस मेरे से कैचअप नहीं कर पाएंगे, फाइट नहीं कर पाएंगे, कुछ बिजनेसेस को शायद कंप्लीटली एग्जिट भी करना पड़ सकता है। इसके लिए कॉस्ट लीडरशिप आपको हेल्प करता है। 1, 3 एंड 4, इज दिस क्लियर टू यू? वापस से तीनों पॉइंट को रीड कर लीजिएगा। 1, 3 एंड 4, एग्जांपल थोड़ा बीकॉम लेवल इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं। 1, 3 एंड 4 रीड कीजिए। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, पॉइंट नंबर 8 पढ़िएगा। कब आपके हिसाब से कॉस्ट लीडरशिप सूटेबल होगा? देखो, व्हेन यू वांट टू बिकम अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, इट विल बी इफेक्टिव अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब कब आपके हिसाब से कॉस्ट लीडरशिप सूटेबल होगा? नंबर वन, जब सर देर आर मेनी, मार्क द वर्ड, प्राइस सेंसिटिव बायर्स। वॉल्यूम बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है एंड बायर्स क्या है, प्राइस सेंसिटिव है। तभी तो फायदा होगा ना, अगर आप प्राइस कम करोगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो बायर आपकी तरफ मूव करेगा रादर देन द कॉम्पिटिटर। नंबर टू, देर आर वेरी फ्यू वेज टू डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएशन का स्कोप ही नहीं है, तो फीचर्स उनको कन्विंस नहीं करेगा, प्राइस कन्विंस करेगा। बेसिकली देर आर टू ड्राइवर्स, फीचर बहुत अच्छा है इसलिए कोई प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, या प्राइस बहुत कम है इसलिए कोई प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। अगर मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में डिफरेंशिएशन का स्कोप कम है, तो प्राइस इज द ओनली ड्राइवर, तो क्या ड्राइवर बचेगा, प्राइस। मतलब जो बेसिक हमारे नेसेसिटीज होते हैं, जैसे हमेशा बोलता हूं यार, योर यू नो नमक कम हो गया, चीनी हो गया, आपके लिए जो बेसिक कंजम्पशन की चीजें होगी, वहां पे हमेशा ड्राइवर प्राइस ही होता है। क्या होता है, प्राइस। बेसिक यूटिलिटी मिलना चाहिए, तो प्राइस आपके डायरेक्शन को ड्राइव करेगा, उधर डिफरेंशिएशन का स्कोप ज्यादा नहीं होता है। नंबर थ्री देखिए, बायर्स डू नॉट केयर अबाउट ब्रांड, मतलब दे आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस बायर्स, दे आर यूटिलिटी कॉन्शियस। हमको इतना यूटिलिटी चाहिए इस प्राइस के अंदर, सेम यूटिलिटी मिल रहा है, कोई अगर 1% भी प्राइस कम चार्ज कर रहा है, तो मैं उस दूसरे कंपनी की तरफ मूव कर जाएगा। इस एबीसी क्लियर टू यू? लास्ट पॉइंट नंबर डी देखिए, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विद सिग्निफिकेंट बारगेनिंग पावर। मतलब ये ब्रॉडर मास मार्केट है, इसीलिए आपको लगता है यहां पर क्या स्ट्रेटेजी सूटेबल होगा, कॉस्ट लीडरशिप सूटेबल होगा। क्या मीनिंग ऑफ कॉस्ट लीडरशिप एंड कब कॉस्ट लीडरशिप अच्छा है, पॉइंट नंबर 8 में समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 8 को मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन, मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन। वापस से पॉइंट नंबर 8 को रिवाइज कीजिए, कब आपको लगता है सूटेबल है कॉस्ट लीडरशिप लगाना। Is that clear to you? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अभी इस स्ट्रेटजी में रिस्क क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 10 में मिलेगा एंड पॉइंट नंबर 13 में मिलेगा, दोनों को आप कंबाइंड तरीके से पढ़ सकते हो। डिसएडवांटेजेस बताएगा, रिस्क बताएगा। इफ आई चूज कॉस्ट लीडरशिप तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, सोचो सिंपल चीज। कॉस्ट लीडरशिप मतलब आपका अजम्पशन क्या है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं आने वाला है, सेम प्रोडक्ट ही बिकते रहेगा, तो आप बहुत मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप अचीव करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोएस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा रिस्क ये है, ऑब्वियसली जो बीकॉम लेवल है, कॉम्पिटिटर भी सेम स्ट्रेटजी कॉपी कर लेगा, ऑब्वियसली करेगा ही। नंबर वन, अगर आपको लगता है सेम ही इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट वैसा ही रहने वाला है, तो हर किसी को यही ऑब्वियस ऑप्शन लगेगा, ये तो चलो एक्सेप्टेबल है, इट्स गोइंग टू बी फेयर कॉम्पिटिशन। द प्रॉब्लम इज, आज लोगों को लगता है डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। व्हाट इफ डिफरेंशिएशन कम्स,
और डिफरेंशिएशन अगर आ गया तो कॉस्ट लीडरशिप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सर नॉर्मली हम ट्राई करते हैं, डिफरेंशिएशन आना ही नहीं चाहिए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। हर इंडस्ट्री में आने वाले 5 साल में क्या बदलाव आएगा ये 100% प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आइए लेट्स रीड अबाउट रिस्क फर्स्ट। रिस्क और डिसएडवांटेजेस सिमिलर है। नंबर वन, कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट द सेम स्ट्रेटेजी, कॉपी करेंगे। इमिटेट मतलब दे विल कॉपी द सेम स्ट्रेटेजी। दूसरा, बायर का जो इंटरेस्ट है मे स्विंग, मतलब वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिसाइड्स प्राइस। अभी तक आपको लग रहा था बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, इसीलिए आप सोचे थे कि कॉस्ट लीडरशिप काम में आएगा। व्हाट इफ नाउ दे आर नॉट सो प्राइस सेंसिटिव, अब सडनली वो डिफरेंशिएशन के अंदर बिलीव करना शुरू कर दिए, तो कैन आई से कॉस्ट लीडरशिप विल फेल एंड व्हाट विल प्रिवेल, डिफरेंशिएशन पिकअप हो जाएगा। तो एक कॉम्पिटिटर शायद आपका कॉस्ट लीडरशिप के बजाय डिफरेंशिएशन लगाएगा और शायद वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नंबर थ्री, कभी कभी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री ही खत्म हो सकता है। जस्ट इमेजिन नॉर्मल कैमरास, जो आपके फिल्म वाले कैमरास थे, दैट इंडस्ट्री इज गॉन। डीएसएलआर का वैल्यू खत्म हो गया बिकॉज ऑफ गुड स्मार्टफोन्स, बिकॉज ऑफ कैमरा क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन योर स्मार्टफोन्स। तो कह रहे हैं इसे इंडस्ट्री में ये सिग्निफिकेंट बदलाव आते रहते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन वेज। अब आप नोटिस कीजिए ना, कुछ साल पहले कोविड के पहले इट वॉज ऑल अबाउट यू नो फिजिकल एजुकेशन, आफ्टर कोविड इट वॉज अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, देन अगेन रिजल्ट्स केम, नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट वापस फिजिकल एजुकेशन। सो यू नो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, ट्रेंड्स विल कीप ऑन चेंजिंग, इट्स वेरी कॉमन, दिस हैपन्स इन एवरी इंडस्ट्री। नो ऑफेंस, आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, हर 3 से 5 साल में आपको हर इंडस्ट्री में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। तो बोलना ये बहुत मुश्किल होगा यही स्ट्रेटेजी इस इंडस्ट्री में हमेशा सक्सेसफुल होगी, ये सही नहीं है। इस पॉइंट नंबर 10 क्लियर टू यू, सिमिलर डिसएडवांटेजेस लिखे हुए, आ जाइए नंबर 13 पे। देखिए, कॉस्ट एडवांटेज मे नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग एज कॉम्पिटिटर मस्ट फॉलो, मतलब जब तक कॉम्पिटिटर फॉलो नहीं करेगा तब तक चलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, कॉम्पिटिटर इमिटेट कर सकता है। कॉस्ट लीडरशिप कब सक्सेसफुल होगा, जब आपको वॉल्यूम मिलेगा। ऑब्वियसली पहले दिन कॉस्ट लीडरशिप आ ही नहीं सकता है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत साल का मार्केट में प्रेजेंस चाहिए, वॉल्यूम बड़ा गेम चाहिए। अगर वॉल्यूम मिलेगा तो ही कॉस्ट लीडरशिप अचीव होगा। नेक्स्ट सर, कॉस्ट लीडर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, अब यहां ये नेगेटिव बोल रहे हैं, आप इतना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जाएंगे आप R&D करना बंद कर देंगे, मार्केटिंग में खर्च करना बंद कर देंगे, जो शायद लॉन्गर रन में क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सेम पॉइंट है, ऊपर भी लिखा हुआ था। कहना इसे इधर 4 में से 1 ही पॉइंट लॉजिकल है नया, पॉइंट नंबर सी, that sometimes you try to reduce cost so much ki wo cost reduction can become a expensive decision in longer run. Is this clear to you? Other than this, risk mere sabse zyada better likha hua hai aur acha part hai from negative point of view. Is this clear? Wapas se, cost leadership kya hai, kab suitable hoga, usme challenges kya hai, 3 cheez aani chahiye. Wapas se jo bolta hu revise karna, number 1 revise karo fatafat se definition ko, jo instruction deta hu follow karte jao. Is the meaning clear to you? फिर सर कब suitable रहेगा? When there are large number of price sensitive buyers, differentiation almost negligible है, and sir they are not brand conscious at all, and they have a significant bargaining power. तो जब वो bargaining power उनका collectively ज्यादा रहेगा तो हर किसी को cost leader बन के price कम करने का try करना पड़ेगा। अगर वो cost भी कम करेगा तो selling price कम करने का power उसके पास में आ जाएगा। Is this clear to you? अब एक question आ सकता है, वो आपको बोलेगा आपको कॉस्ट लीडरशिप चूज करना चाहिए, एंड एग्जाम में पूछेगा हाउ कैन यू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, मतलब क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप कॉस्ट लीडर बनना चाहते हैं। सबसे पहला चीज, कॉस्ट लीडरशिप के लिए चाहिए वॉल्यूम, तो मेरे को वॉल्यूम गेम मतलब क्वांटिटी मिलना चाहिए नंबर 1, एंड मेरे को प्रिडिक्शन करना आना चाहिए, आई शुड बी एबल टू फोरकास्ट माय डिमांड। अगर मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं कि मैं 1 लाख क्वांटिटी बेच सकता हूं तो मैं 1 लाख क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोचूंगा ही नहीं, और अगर 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं 10,000 एक मैन्युफैक्चरिंग करते रहूंगा, तो उसकी वजह से मेरा कॉस्ट लीडरशिप अचीव ही नहीं होगा। सो एक वॉल्यूम गेम अचीव करना, डिमांड को बराबर से फोरकास्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बिना कॉस्ट लीडरशिप अचीव नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, कॉस्ट लीडरशिप का रूल नंबर 1 यही है,
डिफरेंशिएशन को सपोर्ट नहीं करना है, चाहे इंडस्ट्री में कोई कितना भी डिफरेंशिएट करने का ट्राई करे उसे आपको रेजिस्ट करना है, नेगेटिव बात करना है। जब तक डिफरेंशिएशन को रेजिस्ट कर सकते हो रेजिस्ट करो, मतलब डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंशिएशन एट एनी कॉस्ट, तब जाकर के आपका कॉस्ट लीडरशिप क्या होगा, प्रिवेल होगा। प्लस आपके कस्टमर को भी बोलना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो सेलिंग पॉइंट भी ऐसा रखना पड़ेगा ताकि योर कस्टमर्स आर स्टिल फोकस ऑन द प्राइसिंग। आइए, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप मार्क एज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 11। सर आपने प्रॉम्प्टली मार्क द वर्ड फोरकास्ट करना चाहिए कि टोटल प्रोडक्ट सर्विस का डिमांड कितना हो सकता है। फिर सर रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि क्या मिले आपको, कॉस्ट एडवांटेज। रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल मतलब पहले हम 100 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को यूज करते हुए 5 फिनिश गुड्स बनाते थे, इन 100 से क्या हम फिनिश गुड्स 5 से 7 पे जा सकते हैं क्या, मतलब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर इनपुट्स ताकि आपका क्वालिटी भी मेंटेन रहे एंड कॉस्ट भी क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट, अचीव कीजिएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब वॉल्यूम गेम। जब तक इकोनॉमीज स्कूल में पढ़ा हुआ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करना बढ़ते जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा, बट एक अप टू अ लेवल कम होगा क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन अप टू अ लेवल, उसके बियॉन्ड वापस से बढ़ सकता है, पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर स्कूल में। नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन करने का ट्राई कीजिए, मतलब जितना प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे ना कि सेम प्रोडक्ट एज इट इज दुनिया भर में कंज्यूम हो सकता है। जब दुनिया भर में कंज्यूम सेम प्रोडक्ट ऐसा कैसा हो सकता है, तो मासेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन विल बिकम द की। जैसे एक जमाने में ऐसा था, आपके जो स्मार्टफोन्स भी थे ना वो हर कंट्री स्पेसिफिक अलग बनाए जाते थे। अब आज की तारीख में आप जब स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, व्हेन यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट लाइक अ स्मार्टफोन, यू बिलीव इज इट यूज इन कनाडा, इज इट यूज इन इंडिया और इन यूएस, इट शुड नॉट मैटर। वी वुड वांट टू यूज अ ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज बाय एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पे हो पाएगा, वरना मेरे को हर कंट्री के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते रहना पड़ेगा। अब ये किसी इंडस्ट्री में पॉसिबल है, बट किसी में पॉसिबल नहीं है। कार मैन्युफैक्चरिंग में पूरा कार एज इट इज हर कंट्री के लिए सेम नहीं बना सकते, लेफ्ट एंड ड्राइव अलग होता है, राइट एंड ड्राइव अलग होता है, क्वालिटी के अंदर भी डिफरेंशिएटेड एक्सपेक्टेशंस होते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर। इस वजह से वो कुछ कुछ रॉ मटेरियल वगैरह कॉमन बनाते हैं, स्पेयर पार्ट्स कॉमन बनाते हैं, बट पूरा का पूरा प्रोडक्ट एज इट इज नहीं बना सकते हैं, समझा क्या। नेक्स्ट सर, इन्वेस्ट इन दोस टेक्नोलॉजीज जिससे आपका कॉस्ट सेव होगा, बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने का ट्राई कीजिए, मतलब ऑटोमेशन करने का ट्राई कीजिए। मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, ऑटोमेशन बढ़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप काम हो जाएगा। एंड आप रेजिस्ट कीजिए डिफरेंशिएशन को जब तक वो क्या ना बन जाए, एसेंशियल। एसेंशियल छोड़ दो, जब तक तुम्हारा पैसा रिकवर ना हो जाए, जब तुम्हारा खर्च किया हुआ पैसा रिकवर हो जाए, तब बोलने का डिफरेंशिएशन एक्सेप्टेबल है। इट्स लाइक हाइब्रिड और ईवी इन इंडिया, हर बार बोलता हूं, दुनिया में बहुत साल पहले आ चुका था, हमें लगता था हमारे मैन्युफैक्चरर को अपना पैसा रिकवर नहीं हुआ है, तो इंडिया में हाइब्रिड की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया में ईवी की कोई जरूरत नहीं। जब हमको लगा पैसा रिकवर हो गया, इट्स टाइम, यूर अंडरस्टैंडिंग में, ऑल्दो हमारे पास में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, पर फिर भी हम ईवी बेचेंगे, समझा क्या मेरा बात, क्योंकि अभी हमको बदलना है दुनिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस दे कुड हैव डन इन मोर स्ट्रेटेजिक मैनर, पहले चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए थे, फिर ईवी बनाने के बारे में सोचना चाहिए था, बट वो ये ना हर इंडस्ट्री के अंदर, जाना तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हर इंडस्ट्री में कौन किधर बैठा है, क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है किधर से क्या हुआ है, लेट्स नॉट गेट देयर, इट्स ऑल लॉबिंग, ध्यान रखना। ये हर कंट्री में से ही होता है, नॉट जस्ट हर कंट्री, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट स्पेंड करके। एडवांटेजेस के बाजू में लिख दो, रीड आफ्टर माइकल पोर्टर्स 5-4 मॉडल, एडवांटेजेस के बाजू में लिख दो, रीड आफ्टर माइकल पोर्टर्स 5-4 मॉडल, चैप्टर 2 के अंदर है।
ये माइकल पोर्टर की स्ट्रेटेजी है, उनका एक फाइव फोर्स मॉडल है, उसके बाद में आपको ये एडवांटेजेस एक मिनट में समझ में आ जाएंगे, क्योंकि माइकल पोर्टर के जो फाइव फोर्सेस थे उनको ही बेस रख के एडवांटेजेस लिखे हैं। ये पांच फोर्सेस आपको चैप्टर नंबर टू में रिवाइज करवा देंगे, विल गिव यू अ गुड एक्सप्लेनेशन व्हाट इज माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल। फिर आप दो मिनट स्पेंड करके एडवांटेजेस पढ़ना, एकदम केक वॉक लगेगा, अभी डायरेक्टली पढ़ के नहीं समझेगा। अभी गुड, अभी के लिए कॉस्ट लीडरशिप के अंदर डिसएडवांटेजेस या रिस्क, मेरे सबसे रिस्क पढ़ लोगे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, इस पे बढ़िया क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप, इस पे स्पेसिफिक पांच पॉइंट लिखना आना चाहिए, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में रिस्क वाले पॉइंट लिख सकते हो, विच इज इजी। एडवांटेज का आंसर तरीका सिंपल बोलता हूं, कभी याद रखना ही मत, एडवांटेज में वही पांच हेडिंग है जो माइकल पोर्टर के पांच फोर्सेस हैं, आपको पढ़ाएंगे राइवल सेलर्स, न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट्स, बायर्स बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, सेम पांच हेडिंग है, कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, पांचों फैक्टर समझा दूंगा, फिर एक बार ये रीड करेंगे आपको समझ में आएगा, वही पांचों के पांचों फोर्स को डैश करके एक एक सेंटेंस लिखने का है, पर समझेगा तब जब वो फाइव फोर्स समझ में आएंगे, तो हम अगले चैप्टर में सेकंड पे चले जाएंगे, फाइव फोर्स मॉडल को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समझेंगे। तो नेवर एवर रिमेंबर, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है बट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइव फोर्स मॉडल के पांचों हेडिंग जो है वही यहां पे मैच होने वाले हैं। कॉस्ट लीडरशिप में भी यही है, डिफरेंशिएशन के अंदर भी वही है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी भी माइकल पोर्टर की है और मॉडल भी माइकल पोर्टर का है, तो उन्होंने बोला मेरे ही मॉडल को इन स्ट्रेटेजी में एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है। समझा क्या? दैट्स इट, कॉस्ट लीडरशिप इज डन, कैन वी गो नेक्स्ट? आते नेक्स्ट नंबर टू पे, डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन सर? दिस इज समवॉट ऑपोजिट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। जब आपको लगता है कस्टमर्स आर नॉट रियली प्राइस बायर्स, प्राइस सेंसिटिव बायर्स, मतलब कस्टमर को लगता है मैं प्राइस सेंसिटिव इतना नहीं हूं कि अगर कोई बेटर फीचर मिला तो उसके लिए प्रीमियम प्राइस पे नहीं करूंगा, मतलब रादर दे आर ऑपोजिट ऑफ प्राइस सेंसिटिव, दे बिलीव इफ देयर इज अ बेटर फीचर दे आर रेडी टू पे यू अ प्रीमियम प्राइस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, in India, according to me, after COVID, there has been a significant change. Now the spending on luxury has increased substantially. Matlab, once upon a time, it was difficult that, you know, when you're traveling to other countries, your staying costs, your food and all used to be expensive. Now in India, you will see that side also. Matlab, India always had a mixed balance. Ki agar aapko 20 rupees of breakfast chahiye, wo bhi mil sakta hai. Aapko 2000 breakfast chahiye, to bhi mil sakta hai. But in India, mein 20,000 breakfast chahiye, nahi milta tha. मतलब वो 2000 का एक्सट्रीम नहीं था, यूर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। अब वो एक्सट्रीम भी आ गया है और वो एक्सट्रीम में भी क्वांटिटी आ गया है जो इंडिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बिकॉज न्यू मनी इज एंटरिंग इन आर कंट्री, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम हैव एंटर्ड इन आर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अवर स्टॉक मार्केट का वैल्यू वॉज निफ्टी ड्यूरिंग द फॉल वॉज अराउंड 8,500-9,000, दैट इज टुडे इज एट 23,000. Overall, some people would have definitely made money. You're understanding this? When the market cap is going up significantly, there are new millionaires, new billionaires. Are you understanding that? Us wajah se aapka spending capacity badhna shuru ho gaya hai. Aur wo kuch ek aisa naya class of people create kar raha hai, jinke paas mein ek significant new inflow of money hai. Jis wajah se ek naya industry develop ho raha hai, pura ka pura. Abhi ke liye, differentiation matlab, aapko lagta hai, aap product mein, service mein, कुछ बदलाव लाइए, कुछ मॉडिफिकेशन लाइए जो शायद वैल्यूएबल है कस्टमर के लिए, तो उस कस्टमर आपको क्या पे करेगा? प्रीमियम प्राइस पे करेगा। दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। इधर एक आर्गुमेंट हो सकता है जो इंडिया के लिए चलेगा, वो बोलता है डिफरेंशिएशन में ना ब्रॉड मास मार्केट के लिए, डिफरेंशिएशन में किसके लिए? ब्रॉड मास मार्केट के लिए, जो एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है वो मासेस के लिए नहीं होता है। डिफरेंशिएशन इज जनरली फॉर अ स्मॉलर मार्केट कंपैरेटिवली, बट वो क्या बोल रहा है ना, सब्जेक्टिव है। अभी डिफरेंशिएशन में भी वो ऐसा बोल रहा है कि हम हो सकता है डेली चीजें जो कंज्यूम होती है लाइफ के अंदर, उसके अंदर भी डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम क्या चार्ज कर पा रहे हैं? प्रीमियम प्राइस। एग्जाम्पल बोलता हूं, बैकपैक जो अपना होता है, earlier probably a backpack costing from 500 rupees to 5000 was normal. Today in India you will find a backpack of 50,000 rupees also. So can I say, जो basic necessity की चीजें हैं उधर भी क्या है, differentiation का scope open हो गया है। इसीलिए थोड़ा argue हो सकता है, but बहुत पुराना concept है, तो इन्होंने broader mass market लिखा है। argument मत कीजिएगा, ऐसा याद रखिएगा, MCQ में कम में आएगा। Read the first line. This strategy is aimed at, mark the word, broad mass market. And it involves कोई ऐसा product या service बनाइए जो हमारे customer को क्या लगेगा? Unique लगेगा। अगर वो unique लगेगा तो can I say we will be able to charge a premium price? Yes.
because of the uniqueness, you will be allowed to charge a premium price to the customer. Point number one important है, broad mass market product service में uniqueness लेके आई है, जिसकी वजह से you can charge a premium price. इस point number one clear to you. Point number two को पढ़िए. A successful differentiation strategy will allow you to charge a premium price and it will also help you to gain what, sir? Customer loyalty. Because a customer will be strongly attached to the differentiating features. वो उस वजह से आपके business के साथ में associate हो जाएगा और आपको premium price भी क्या करेगा? Pay करेगा. इस differentiation का basic meaning clear to you. सेम स्ट्रेटजी है भाई. डिफरेंशिएशन में रिस्क क्या है वो पूछेगा, डिफरेंशिएशन के एडवांटेजेस क्या है वो पूछेगा, एंड हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन वो पूछेगा. इधर एक और आएगा फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन. चार अलग अलग क्वेश्चंस है, इंडिविजुअली डिस्कस करके खत्म करते हैं. आइए सबसे पहले रिस्क क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएशन लगाया, प्रॉब्लम क्या है. वही सेम चीज, कोई ना कोई कॉपी कर लेगा. तो ये रिस्क के अंदर एक पॉइंट तो हमेशा से कॉमन ही होता है. देखो नंबर वन, Competitors may develop ways to copy the differentiating features quickly. इससे क्या हो जाएगा, अगर सेम चीज को अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर्स ने कॉपी कर लिया तो सर शायद वो डिफरेंशिएशन विल नो मोर बी अ डिफरेंशिएशन एंड यू मे नॉट हैव अ ऑप्शन टू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस. एक एग्जाम्पल बोलते हैं सर, वो सैमसंग का फोल्ड आया था, वन प्लस ने बनाया कि नहीं बनाया. अब ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद में और अपना ओप्पो वीवो सब बनाने शुरू कर देंगे धीरे धीरे, बराबर है. आई एम श्योर आने वाला होगा, इट मस्ट बी इन द पाइपलाइन, बराबर है. तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सैमसंग का प्रीमियम प्राइस चार्ज करने का पावर था खत्म हो जाएगा एंड धीरे धीरे ये डिफरेंशिएशन बचेगा ही नहीं ना, इट विल बिकम अ न्यू प्रोडक्ट. सो इट्स वेरी कॉमन जनरली, अगर आप कोई डिफरेंशिएटिंग चीज क्रिएट करेंगे धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स उसे इमिटेट करेंगे. कुछ लोग स्मार्टली इमिटेट करेंगे, कुछ लोग बुरी तरीके से इमिटेट करेंगे. इमिटेशन इज इमिटेशन, रिमेंबर दैट. इस पॉइंट नंबर बी क्लियर टू यू. पॉइंट नंबर ए मजेदार है सबसे. आपको लग रहा है आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप कुछ वैल्यूएबल चीज दे रहे हो, बट कस्टमर को उसकी वैल्यू ही नहीं है. मतलब कस्टमर डजंट वैल्यू द डिफरेंशिएशन व्हाट यू आर ऑफरिंग. तो वो क्या सोचता है, प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद में इट्स नॉट वर्थ इट. क्या फील करता है, प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद में इट्स नॉट वर्थ इट. नंबर ए, यूनिक प्रोडक्ट्स मे नॉट बी वैल्यूड हाईली इनफ बाय द कस्टमर्स टू जस्टिफाई द हायर प्राइस. अगर लोगों को समझ में आया तुम प्रीमियम चार्ज जिस वजह से कर रहे हो वो उस कस्टमर के लिए वैल्यूएबल चीज नहीं है, तो कस्टमर किसके पास चले जाएगा, कॉस्ट लीडर के पास चले जाएगा. बिकॉज कॉस्ट मतलब बेसिकली वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्राइस सेंसिटिव बन जाएगा. सो इधर यू आर यू नो प्रोडक्ट का फीचर सेंसिटिव और यू आर प्राइस सेंसिटिव, एक साइड फिक्स है, दोनों चीज एक साथ में नहीं आ सकती है. वो अचीव करने का ट्राई करेगा एक स्ट्रेटजी में, दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर. पढ़ाएंगे आपको, दैट विल साउंड लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएशन, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने का थोड़ा ट्राई करेगा. अभी के लिए क्या आपको रिस्क के दोनों पॉइंट समझे क्या, स्पेंड टू मिनट्स पढ़ लीजिए एक बार, टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क. ओके, डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आ गया, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड समझ में आ गया. अब जरा नीचे आइए, अचीविंग डिफरेंशिएशन. जैसे अचीविंग डिफरेंशिएशन अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप था, वैसे अचीविंग डिफरेंशिएशन भी आएगा. ये डिस्कस करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इधर हमारे पास एक बेटर क्वेश्चन आएगा, फॉर्म्स और बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट. बट बिफोर वी गो देयर, लेट्स टॉक अबाउट अचीविंग डिफरेंशिएशन. अभी टफ कॉल, नॉट टफ कॉल है, एज अ बिजनेस you know, creating a differentiation is not an easy job. You need to have a lot of years of experience. You should know what your customer wants. You should know what customers will value, what they will not value. It's not an easy decision. Rather, यहाँ पर आपको target market का understanding, target market का prediction, वो future में क्या prefer करेगा, क्या prefer नहीं करेगा, सब सोच समझ के आपको differentiate करने के बारे में सोचना चाहिए. तो इसलिए देखो, number one, सबसे पहले, offer utility for the customers and match the products with their taste and preferences. मतलब customer का ही analysis बढ़िया होना चाहिए, जो उनका expectation है उसके हिसाब से नए features
उस या नए एस्पेक्ट्स को प्रोडक्ट में ऐड करना चाहिए ताकि उन्हें वो मिले जो वो एक्चुअली में प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं. नंबर टू, अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को एलिवेट कीजिए, इंप्रूव कीजिए. अगर प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है तो शायद आप सोचेंगे कैसे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस और इंप्रूव किया जाए सो दैट पीपल फील दैट यस वी आर पेइंग अ प्रीमियम प्राइस बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज बेटर देन द प्रीवियस प्रोडक्ट दैट वॉज बींग सोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल ना यार, हर बार हर साल जो नया आईफोन लेकर के आते हैं वो बोलने का ट्राई क्या करते हैं, ये बेटर है कि नहीं, दैट्स सब्जेक्टिव, बट सेलिंग पॉइंट तो यही है कि नहीं है, तो उसका मैं प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाएगा, पुराने वाले का प्राइस कम कर पाएगा. दैट इज द ओनली वे आई कैन सेल यू अ प्रोडक्ट विच फॉर विच आई कैन चार्ज यू अ प्रीमियम प्राइस. सो ऑलवेज हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट बेहतर दिखाना पड़ेगा, इंप्रूव्ड दिखाना पड़ेगा टू कंटिन्यू विद डिफरेंशिएशन. नंबर थ्री, हमें ऑफर करना पड़ेगा द प्रॉमिस कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे जिससे बायर सेटिस्फाइड है. मतलब पूरा फोकस किसके ऊपर है, बायर के ऊपर है. थोड़ा इनोवेट करने का ट्राई करना पड़ेगा, ओवरऑल अपना खुद का इमेज इंप्रूव करना पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा. एंड सर, जो आप फीचर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग रखना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो प्रूव दैट बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएटेड फीचर्स द प्राइसिंग इज ऑल्सो हाई. तो इन सिंपल टर्म्स ये जनरली कुछ गाइडलाइंस है जो आप दिमाग में रखना. मेजर पॉइंट जो है वो कस्टमर के अराउंड है. ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को मैच करता है. सर, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे परफॉर्मेंस आपको इंप्रूव्ड मिलता है फॉर योर कस्टमर्स. और इनोवेट करने का ट्राई करो ताकि आप यूनिक प्राइसिंग चार्ज कर पाओ यूनिक फीचर्स के लिए. दो मिनट स्पेंड करके पढ़ लीजिए अचीविंग डिफरेंशिएशन. एडवांटेजेस के बाजू में फिर से लिख दो आफ्टर चैप्टर टू, वही सेम पांच पॉइंट है माइकल पोर्टर के फाइव फोर्स मॉडल वाले. डिसएडवांटेजेस जो आपने रिस्क पढ़े थे वैसे ही हैं, पढ़ लीजिए एक बार. नंबर वन, यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन. आज किसी को कोई यूनिक लगेगी, चार साल बाद सेम चीज शायद यूनिक ना लगे. दूसरा चीज, आप जब प्रीमियस यू नो हायर प्राइस चार्ज करेंगे फॉर अ डिफरेंशिएटेड फीचर, हो सकता है कस्टमर को कोई ऑल्टरनेटिव पसंद आ जाए. मतलब वो आज डिफरेंशिएशन के लिए आपको प्रीमियम प्राइस एक बार पे कर देगा, क्या वो बार बार पे करते रहेगा इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. सर, डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क जैसे ही कस्टमर को वो डिफरेंशिएटिंग फीचर का वैल्यू इतना अच्छा नहीं लगता है जितना वैल्यू आपको लगता है प्रोडक्ट में है. मतलब सर, दे डू नॉट वैल्यू द डिफरेंशिएशन एट ऑल. सिमिलर रिस्क है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा. आपको लगता है डिफिकल्ट है बहुत सस्टेन करना कि ये एक डिफरेंशिएशन अचीव कर लिया अब पांच साल तक बेचते रहेंगे ना. डिफरेंशिएशन इतना रिस्की स्ट्रेटजी होता है. एक बार ये चूज किया मतलब अब खुद को हर छह महीने साल भर में कुछ नया करना पड़ेगा क्योंकि वंस द कस्टमर इज यूज्ड टू अ डिफरेंशिएशन, इफ यू डू नॉट डिफरेंशिएट दे विल नेवर पे यू अ प्रीमियम प्राइस अगेन. दे विल नेवर पे यू अ प्रीमियम प्राइस अगेन, दे विल पे यू ओनली वंस. समझा क्या? और अगर वापस नहीं पे करेगा तो सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगा? बिजनेस एक बार अच्छा करेगा ना, अगले साल फिर से फॉल आ जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? अब एक अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है पता होना चाहिए. बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन मार्क एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है, इसके बाद एडवांटेजेस. ये दो सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं. बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ये बोलता है डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो. सबसे कॉमन होता है प्रोडक्ट के बेसिस पे. किसके बेसिस पे? मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ या प्रोडक्ट में ऐसे कुछ फीचर्स ऐड करो जो एग्जिस्टिंग कंपेरेबल प्रोडक्ट से बेटर है. मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में इफ योर प्रोडक्ट इज बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, वी विल से आपने डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट को ही बेहतर बना दिया. दिस इज वन वे टू डिफरेंशिएट एंड द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट लॉजिकल वन. मार्केट में लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप उसे बेहतर बना दिए. एक क्लासिक एग्जाम्पल, आयन बॉक्स देखा है? आयन बॉक्स, क्लीन आयन बॉक्स आता था, अच्छा काम करता था,
सडनली लोगों को पता चला हमारे तो जो कॉटन कपड़ा वगैरह पहनते पानी डालना पड़ता है उस पर, तो स्टीम वाला आयन बॉक्स आया, उसमें उसने ढक्कन डाला, पानी डालने का ऑप्शन दिया, ऐसे प्रेस करने का पानी आते रहेगा, वो भी कितना अच्छे से पानी आएगा, तू आयन करेगा एकदम बराबर से, समझ रहे हो। फिर थोड़ा और फैंसी वर्जन आया, अब पता नहीं क्या होता है, स्टीमर आता है, एक प्रॉपर स्टैंड होता है शर्ट कोट लगाने का, तुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा ना, झुकना पड़ेगा, और देयर इज अ प्रॉपर स्टैंड ऐसा बैठ करके, इट्स लाइक इट विल ब्लो द स्टीम थ्रू एयर, तो तेरे को मेहनत कम करनी पड़ेगी उससे, धीरे धीरे धीरे, तो हर बार थोड़ा बहुत कुछ बदल, पर ये प्रोडक्ट में फिलिप्स ही बना रहा है, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट कंपनी एक ही है, यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, देर इज अ कॉम्पिटिटर ऑल्सो, आई एम नॉट डिसअग्रीइंग, बट आपने क्या किया, सेम ही प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी को थोड़ा सा एनहेंस करने का ट्राई किया, कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने का ट्राई किया, एंड दिस टाइम इट्स नॉट द ब्रांड, इट्स द प्रोडक्ट दैट इज डिफरेंशिएटेड, इट्स द प्रोडक्ट दैट इज डिफरेंशिएटेड। सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी होता है प्रोडक्ट में बदलाव लाओ, इतने यूनिक फीचर्स को एड करो जो शायद आपके कस्टमर्स को पसंद आएंगे। रीड नंबर वन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइए दैट मीट योर कस्टमर नीड्स, एंड कंपनी को इसका क्या मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा ओवर कॉम्पिटिटर। एक खतरनाक एग्जाम्पल और देता हूं, हमारे इंडिया में इतना ग्रेट नहीं है अभी भी वॉशिंग मशीन्स, अगर आप थोड़ा वॉशिंग मशीन का एरा देखोगे, पहले वॉशिंग मशीन दो डब्बे होते थे ऐसे, इधर वॉश करने के लिए, इधर स्पिन करने के लिए, इधर वॉश होने के बाद निकालने का, इधर डालने का, फिर वो स्पिन करते थे इधर बड़ा, और ऐसे जोर जोर से होता, पट 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 आवाज आता रहता था, वो स्पिनर चल रहा है पूरे आसपास के नेबरहुड को पता चलता था, ठीक है, उसके बावजूद भी कपड़ा सूखता नहीं था, उसे निकाल करके सुखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इज दैट क्लियर टू यू, कैन आई से। देन आपने सुना होगा टॉप लोड फ्रंट लोड, अब वो सिंगल डब्बा है, मतलब दो बॉक्स पार्टीशन नहीं है, आपने एक बार कपड़ा डाला, ठीक है, उसके बाद में वो स्पिन भी खुद ही करेगा, मतलब इट्स गोइंग टू बी ए 60 मिनट का जॉब, 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स, वो पहले वॉश करेगा फिर स्पिन, अभी भी कपड़ा सूखता नहीं है, उसे निकाल करके सुखाना तो आपको ही पड़ेगा। डू यू नो इन वेस्टर्न कंट्रीज योर एक्चुअली वॉशिंग मशीन इज सेपरेट, जो टॉप लोड फ्रंट लोड आप यूज करते हो, एंड देर इज अ सेपरेट ड्रायर, एंड यू हैव टू रिमूव द क्लोथ्स, देर इज नो ऑप्शन, आपको ड्रायर में डालना पड़ता है, ड्रायर एक्चुअली इतना पावरफुल होता है, जब आप कपड़े बाहर निकालते हो वो सूखा हुआ होता है, आपको वापस नहीं सुखाना होता है, और उसका एक प्रॉब्लम है, वो इतना हीट जनरेट करता है कि कपड़ा श्रिंक हो जाता है। तो हम जो यहाँ पे लिनन कॉटन पहनते हैं, आपने क्या स्मॉल खरीदा होगा, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, आप अगली बार नहीं पहन सकते हो। तो इसी वजह से वो इंडिया में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, प्लस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एंड प्राइस कॉम्पोनेंट गोज अप लिटिल, इसलिए वो इंडिया में यूज ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, देर इज एन ऑल्टरनेटिव, बट हमें लगता है वो अभी इस मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा आपका डिश वॉशर, बराबर हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता ना, अब ऑब्वियसली हम जो खाना खाते हैं वो थोड़ा सा ऑयल भी ज्यादा होता है, तो डिशवॉशर भी फेल हो जाता है बेचारा। फिर बॉश ने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग या हाँ किसी ने तो बनाया कि इंडिया के हिसाब से डिशवॉशर बनाया, ये इंडिया के खाने के हिसाब से ये काम करेगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हर प्रोडक्ट जो है धीरे 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 इवॉल्व होता है अल्टीमेटली। नंबर वन, डिफरेंशिएशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, इनका एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन है, आई डोंट नो हाउ इट इज डिफरेंशिएटिंग टूडे, there was years back when it was a differentiator, I agree. Number one, innovative product banaiye. The pursuit of new product offering can be costly. Obviously, R&D पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, marketing पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा why this product is superior or better than the existing product. But this form of differentiation is called as product differentiation. यहां पर आप innovative product बनाएंगे, obviously it's going to be a costly decision. But remember, अगर वो differentiating काम करता है features, तो आपको premium price charge करने का मौका मिलेगा. नंबर टू, प्राइसिंग, ये सब्जेक्टिव है, ये बोलता है कुछ समझ में नहीं आए तो डिफरेंशिएशन का एक तरीका और है और एक्चुअली काम भी करता है, दैट इज प्राइसिंग, मतलब या तो इतना प्रीमियम प्राइस चार्ज करने का या इतना लो प्राइस चार्ज करने का कि प्रोडक्ट के बजाय लोग आपको प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ प्राइसिंग, मतलब मे बी प्रोडक्ट के अंदर चीजें इतनी बदली हुई नहीं है, प्रोडक्ट इज सिमिलर, डू यू गेट माय पॉइंट, बट द प्राइस रेंज कैन बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफरेंट। For example, watches also. I'm sorry, I'm not an expert, but still, if you see Swiss made watches, you'll find a Swiss made watch for probably $200 also. Guess ka aapko $200 ka watch mil sakta hai, and it can go to $2 million also. Yes, there is a difference. I'm not disagreeing to that fact, but sometimes the same brand
कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट सो मच दैट अपने ही प्रोडक्ट के अंदर वो रेंज डिफरेंशिएट करेगा. दे मे स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से 5 लाख रुपीज एंड द प्राइस कैन गो अप टू 5 करोड़ रुपीज ऑल्सो. नाउ अगेन द सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट, डू यू गेट माई पॉइंट, बट यू आर डिफरेंशिएटिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. ऑब्वियसली देर आर मोर सेलिंग पॉइंट्स, कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी इसमें. दीज मेनी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ मैनुअल वर्क हैज बीन डन, कुछ ना कुछ सेलिंग पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा. बट दैट्स यू नो प्योरली इट्स मोर लाइक परसेप्टिव इन नेचर, कि लोगों का परसेप्शन वैसा है इसलिए आप उसके लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हो. तो प्राइसिंग कैन ऑल्सो बी अ वे. इट्स नॉट रियली अ चेंज इन प्रोडक्ट, इट्स अ प्राइस गेम जहां पर आप प्राइसिंग बहुत ज्यादा या बहुत कम रख करके डिफरेंशिएट करने का ट्राई कर रहे हो. देखो इट कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन एग्जैक्टली ये इसके ऑपोजिट में बेटा, मैं वही समझा रहा हूं. जनरल थॉट प्रोसेस था डिफरेंशिएशन मतलब प्रीमियम प्राइस, बट हाउ आई डिफरेंशिएट उसका तरीका प्राइस हो सकता है. इट कैन बी लोएस्ट ऑल्सो, पढ़ो मेरे साथ समझेगा. इट कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स आइडियल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स. कंपनीज दैट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस कैन ईदर डिटरमाइन टू ऑफर द लोएस्ट प्राइस और कैन ऑल्सो अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश सुपीरियोरिटी थ्रू हायर प्राइस. मतलब मैं अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं. अब या तो मैं बोलूं इस सेगमेंट में मेरा प्राइस सबसे कम है, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फीचर. प्रोडक्ट इज सेम बट माई प्राइसिंग इज द लोएस्ट, और आई से आई वॉन्ट टू प्रूव सुपीरियोरिटी, इसके लिए मैं हाइएस्ट पॉसिबल प्राइस चार्ज करना चाहता हूं. तो ये वे ऑफ लुकिंग एट इट है. बट जनरली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्रीमियम प्राइस चार्ज करना, दैट्स कॉमन. ठीक है, थर्ड वाला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू मी. ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, मतलब एक ऐसा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो कि आप जो भी बेचो वो अज्यूम ही करेंगे लोग अलग है बाय डिफॉल्ट. सो नाउ यू आर चार्जिंग अ प्रीमियम प्राइस बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट दिस कंपनी is always going to make something which is going to be different. देखिए organizational differentiation is another form. यहां पर आप maximize करेंगे, mark the word, power of a brand or use a specific advantage to the organization's success. मतलब आपका एंटिटी का ओरिजिन एक ऐसे कंट्री से हो सकता है इसलिए आपको फायदा मिले. या जैसे फॉर एग्जाम्पल फैब्रिक, पीपल ऑलवेज say इटालियन फैब्रिक इज वन ऑफ द बेस्ट. नॉट एवरी इटालियन फैब्रिक विल बी बेटर देन रेमंड, but Italian fabric is famous, remember that. They say Italian marble is one of the best marbles, not all Italian marbles. Udhar bhi mines rahegi bahut sari. So sometimes it's a geographical location ka advantage what you have. Sometimes it's the brand value which is being created, jiski wajah se aap kuch bhi bechenge to aapko premium price charge karne ka mauka milega. Matlab it's subjective, wo aisa bolta hai, organization ke basis pe bhi differentiation ho sakta hai. Aapne organization ka ek perceived value create kar diya hoga, jis wajah se logo ko lagega ye to achha hi hona chahiye, iske liye hum premium price pay kar sakte hai. Ghatiya example hai, but just imagine aisa hota hai. Ab your Gucci, Armani, Louis Vuitton, they sell everything sometimes. Do you get my point? They may not have expertise in every product, but still wo agar apna tag laga ke koi product bechega, wo premium price hi charge karega na yaar. Like if they're trying to sell you a flip-flops, maybe Crocs can make better flip-flops. Do you get my point? But if they are powered with the brand of Gucci and Armani, they may charge you 5 times or 10 times the price. Maybe उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग किसी चाइनीज मैन्युफैक्चरर से कराया होगा, बट इट डज नॉट मैटर, इट्स द ब्रांड वैल्यू दैट इज मोर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. लाइक फॉर एग्जांपल पीपल वेयर अ ट्रैक सूट और मे बी यू नो दोस दिस सम न्यू वर्ड नो नोवेडेज, पीपल वेयर द मैचिंग क्लोथ्स कॉर्ड्स. या आई मीन दिस न्यू ट्रेंड, नॉट एबल टू डाइजेस्ट एज ऑफ नाउ, बट आई सी ऑन एयरपोर्ट्स पीपल वेयरिंग दैट एंड समटाइम्स आई एम लाइक वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग. बट आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ डिजाइनर्स हु चार्ज यू अ वेरी प्रीमियम, विच आर ऑल्सो वेयर्स दिस. And I made fun of him. Number three, organization based differentiation. So sometimes it's the brand value of a company that helps you to charge a premium price. It's not the product. Product may be same, but it's the logo that carries the value. Do you understand this? It is sabse basis or forms of differentiation. Ye aapko aana chahiye. Wo exam mein question mein situation dega. Aapko dhoondna padega ki differentiate kiya hai. Kis basis pe kiya hai. You have to identify. Aur bache hue do basis likhne pad sakte hain. 2 minutes spend कीजिए, differentiation is done.
वरना इग्नोर सम चैट्स. जैसे देयर इज अ ट्रेंड ऑफ वेयरिंग मिसमैच क्लोथ्स, इज दैट ऑल्सो देयर? मिसमैच मतलब क्या हो सकता है? कॉन्ट्रास्ट तो कुछ भी नो मतलब बेसिकली. Are you going to wear a V-neck T-shirt with a suit? I'm just thinking. That's dangerous. Okay, I mean, fine. Very difficult for me to accept. You'll wear a track pant with a blazer. Okay, very nice. That's not mismatch. That's different. I just don't understand what that is. It's just different according to me. It's nice. Very few people will have the confidence to carry that according to me. I'm sure I don't have. Do you understand basis of differentiation? From exam point of view, basis is important. दूसरा advantage को important mark कर लीजिए अभी के लिए. जब हम Michael Porter का 5 4s discuss करेंगे, we'll come back to differentiation and cost leadership. दोनों के advantages exam के लिए definitely important है. Other than that, I mean, you should be aware कि भाई differentiation का meaning point number one आना चाहिए. Point number one. If you are able to write that meaning, it's more than sufficient. Exam mein kaise question puchega? Differentiation strategy use kiya hoga? Ya identify karna padega? Advantage puch lega. To ye differentiation hai, meaning likhunga, then I will write the advantages. Then I ask you, sir, is situation mein unhone differentiate karne ka try kiya? What are the different basis of differentiation? To pehle wapas meaning, three basis can be product basis, price basis and organization basis. Tino ko explain karenge. Generally answer form karte vakt, pehla point hamesha apne likhna chahiye. What is differentiation? And then write advantages, then write the basis, then write achieving differentiation. Ye aapka approach hona chahiye when you are writing the answer for differentiation. Are we good? ठीक है, वापस से माइकल पोर्टर स्ट्रेटजी पहला पढ़ा आपसे. कॉस्ट लीडरशिप, नॉर्मली कॉस्ट लीडरशिप कब सूटेबल रहेगा आपके लिए? जब आपको लगता है कस्टमर्स आर हाईली प्राइस सेंसिटिव एंड इट्स अ ब्रॉडर मास मार्केट. रिमेंबर डिफरेंशिएशन का स्कोप ही कम है, तो आप उस केस में कॉस्ट लीडरशिप चूज करेंगे. जब आपको लगता है आपके प्रोडक्ट के लिए डिफरेंशिएटिंग फीचर के लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज करना पॉसिबल रहेगा, नॉर्मली अप्रोच क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा. बट डिफरेंशिएशन के लिए कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझना, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बिल्ड करना, उन्हें एक बेहतर प्रोडक्ट बना करके देना, वैल्यू ज्यादा उन्हें फील होना चाहिए, यह आपका अप्रोच रहेगा, तो ही आप प्रीमियम प्राइस को चार्ज कर पाएंगे. इज दिस क्लियर टू यू? लास्ट वन आ जाइए, फोकस स्ट्रेटजी नंबर 3 इज कॉल्ड एज फोकस. इधर वो क्वेश्चन पूछते हैं, बट लिखने के लिए चीजें बहुत लिमिटेड होती है, समझिए, बिकॉज मॉड्यूल में ही जो कंटेंट है काफी लिमिटेड है. अंडरस्टैंड फोकस के लिए वो क्या बोलता है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है. जब सर आपको लगता है ओवरऑल मार्केट में देर इज अ नैरो मार्केट, ओवरऑल टोटल मार्केट में देर इज अ नैरो मार्केट जिसे आज कोई टारगेट ही नहीं कर रहा है, या दूसरे शब्दों में नो कॉम्पिटिटर इज सक्सेसफुली मेकिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर दिस मार्केट स्पेसिफिकली, तो आप ये नैरो मार्केट को, नीश मार्केट को, क्या बोलते हैं, नैरो मार्केट या नीश मार्केट, उसे पिक करो, उसके लिए प्रोडक्ट बनाओ, उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करो, तो आपका स्ट्रेटजी कहलाएगा फोकस स्ट्रेटजी. बट रिमेंबर पहले वो नैरो मार्केट आइडेंटिफाई करना जिधर कोई टारगेट नहीं कर रहा है, एंड वो टारगेट मार्केट भी ना एटलीस्ट एक डिसेंट साइज का होना चाहिए. पता चले वो नैरो मार्केट में ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल इतना कम है कि मेरे को धंधा करके फायदा ही नहीं होने वाला है, वो एटलीस्ट नैरो मार्केट भी सफिशियंट साइज का होना चाहिए, डिसेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड होना चाहिए, तब जाकर के अगर मैं उस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाएगा, उस मार्केट के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाएगा, तो मेरे को एक डिसेंट नंबर्स मिलने चाहिए. सो दैट्स योर स्ट्रेटजी कॉल्ड एज focus strategy. Identify a narrow part of your overall market जो आज की तारीख में कोई target नहीं कर रहा है, जिसके लिए exclusively कोई product या service बना के नहीं बेचा जा रहा है, पर वहां पर आपको लगता है एक decent opportunity exist करता है, decent growth भी आपको देखने को मिलेगा, तो उस market के लिए आप लोग product बना करके बेच सकते हैं. That can be called as focus strategy. Read the first line with me. A successful focus strategy depends upon industry segment, that is, mark the word, of sufficient size, has good growth potential, and currently it is not crucial to the success of
एनी मेजर कॉम्पिटिटर, मतलब सर एक डिसेंट मार्केट साइज होना चाहिए, अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल भी होना चाहिए, एंड करंटली उस मार्केट के लिए कोई सक्सेसफुल प्लेयर एग्जिस्ट नहीं करता है. टफ कॉल है, मतलब इट्स अ वेरी टफ थिंग टू आइडेंटिफाई एक ऐसा मार्केट जिसे कोई टारगेट नहीं कर रहा है. बिकॉज रिमेंबर इन दिस वर्ल्ड, जब अब आज की तारीख में मेजोरिटी कंपनीज ग्लोबल हो गए हैं, हर किसी को कोई भी अगर नीश मार्केट मिलेगा वो उसे टारगेट करने का ट्राई करेगा ही करेगा. और जितने बड़े प्लेयर रहेंगे उनके लिए ये रिस्क लेना और आसान होते जाएगा. फॉर अ बिगर कंपनी टेकिंग दिस रिस्क इज नॉट अ टफ कॉल. वो क्या सोचेगा, ये एक नीश मार्केट है, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, हो सकता है क्यों नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, कितना पैसा लॉस हो सकता है. एक बिगर प्लेयर के लिए इट्स अ इजियर रिस्क रिमेंबर, बट फ्रॉम अ स्मॉलर प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू टू अप्लाई फोकस यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. रादर इसीलिए बोलते हैं फोकस इंडिविजुअली साउंड्स ओके बट मे बी अप्रोप्रिएट मोर व्हेन कंबाइंड विद अदर स्ट्रेटेजी. सो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वी अप्लाई फोकस प्लस कॉस्ट लीडरशिप, वी अप्लाई फोकस प्लस डिफरेंशिएशन. प्रॉब्लम पता क्या आएगा, तब इसका हेडिंग जो डेफिनेशन है उसका लॉजिक खत्म हो जाएगा. क्योंकि अगर ये नैरो मार्केट होता तो कॉस्ट लीडरशिप कैसे अचीव करोगे, अगर ये नैरो मार्केट है फॉर एग्जांपल तो डिफरेंशिएशन कैसे लगाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो ब्रॉडर मास मार्केट के लिए होता है, कॉस्ट लीडरशिप तो ब्रॉडर मास मार्केट के लिए होता है. इसीलिए ऐसा नहीं होता है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था. आज की तारीख में जब हम स्ट्रेटेजाइजिंग करते हैं हम हमारे हिसाब से थॉट प्रोसेस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्केचेस देख लीजिए, एंटर्ड थ्रू अ फोकस स्ट्रेटेजी. स्केचेस कैसे एंटर हुआ मार्केट के अंदर, बेसिकली अगर आपको लगता है आपको कंफर्टेबल शूज चाहिए, द मोस्ट कंफर्टेबल शू इन द वर्ल्ड, स्केचर्स ने बोला मैं बना के बेचूंगा, इट्स नॉट अबाउट डिजाइन. बाद में उससे लगा नहीं भाई टारगेट मार्केट बड़ा करना चाहिए, जिस नैरो मार्केट को हम फोकस कर रहे हैं उधर पैसा कमाना मुश्किल है, एंड जो मैं बना रहा हूं सेम कंफर्टेबल चीज किसी और ने बनाना शुरू कर दिया तो कैन आई से लूजिंग द मार्केट शेयर विल बी वेरी इजी. इसलिए उसने क्या किया, हर तरीके का आपको वैलिडिटी देना शुरू कर दिया. सो नाउ स्केचर्स विल गिव यू ऑल डिफरेंट 10, यू नो, आपको रनिंग के लिए शूज चाहिए, ट्रेकिंग के लिए चाहिए, व्हाटएवर इट इज, इसे थोड़ा बल्कि शू चाहिए, स्लिम चाहिए, वॉट एवर, मतलब हर किसी का ऑप्शन. डिजाइनर भी उन्होंने एक न्यूयॉर्क के डिजाइनर से कोलैबोरेट किया, बोला हम आपको डिजाइनर शू भी देंगे. हर तरीके से, मतलब आपको धीरे धीरे फोकस से भी मूव करना ही पड़ता है. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट यू स्टार्ट विथ फोकस एंड यू स्टे विथ फोकस. आपको धीरे धीरे ओवरऑल मार्केट कैप्चर करने का ट्राई करना पड़ेगा. हो सकता है यू स्टार्ट विथ फोकस, पिक अ नैरो मार्केट, यू आर सक्सेसफुल, एंड देन यू ग्रेजुअली मूव टू द एंटायर मार्केट. इज दिस क्लियर टू यू? फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए. सक्सेसफुल फोकस स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन अ इंडस्ट्री सेगमेंट जिसका सफिशिएंट साइज है, डिसेंट ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड करंटली इट इज नॉट क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ एनी मेजर कॉम्पिटिटर. पॉइंट नंबर वन इंपॉर्टेंट है. इज दिस क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर फोर को मार्क कीजिएगा, वन के बाद में. एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग फोकस स्ट्रेटजी मे कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. You may focus on a specific geographical market. You may be dependent on a product line segment. मतलब एक narrow market रहेगा जो हमें लगता है हम competitor से बेहतर तरीके से serve कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हमारा strategy क्या है, focus है. Example, Ferrari, ठीक है, Aston Martin, Ferrari, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो एक narrow market को target कर रहा है. Is that clear to you? अब सर इन एग्जाम द बिगेस्ट चैलेंजेस अंडरस्टैंडिंग कि कब ये फोकस प्लस डिफरेंशिएशन कर रहा है, कब ये फोकस प्लस कॉस्ट लीडरशिप कर रहा है. ढंग से सुनना, क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी. अगर वो सिर्फ एक नैरो मार्केट के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, कि मार्केट साइज छोटा सा है पर हमें लगता है सफिशियंट है, इसके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मतलब वो क्लियरली फोकस के बारे में बात कर रहा है. किसके बारे में बात कर रहा है? फोकस. जब वो उसके साथ में ऐड करे कि आपको कुछ डिफरेंशिएटिंग भी करना पड़ेगा, कुछ यूनिक फीचर्स भी देने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल फैसिलिटी भी देना पड़ेगा, वो नैरो मार्केट भी बोल रहा है और यूनिक फीचर भी बोल रहा है, कीवर्ड्स पता होने चाहिए. सो इफ इट्स ओनली अबाउट अ स्मॉलर मार्केट यू विल से इट्स फोकस, बट इफ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट्स एंड फीचर यू विल से इट इज फोकस प्लस डिफरेंशिएशन. You will say it is a focus plus differentiation. आइए focus plus differentiation first line को mark कीजिएगा. It requires offering unique features, but the demand का focus किसके ऊपर है? Of a narrow market. दोनों word important है. Market size भी narrow बोलेगा and features भी unique बोलेगा. जब ये दोनों चीजें question में आएगी तो आपका strategy कौन सा होगा? Focused differentiation. Is this clear to you? पक्का ए एंड बी को मार्क कर लीजिएगा. बी में बोलेगा
एज विथ लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी नैरो मार्केट्स आर डिफाइंड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सेटिंग्स. मतलब बहुत डिफिकल्ट है बोलना कि वो नैरो मार्केट, वो इसीलिए बताएगा कि जब आप मार्केट डिफाइन करोगे पहले बोलो ये मार्केट है जो कोई टारगेट नहीं कर रहा है. तो इट्स फोकस, आई एम गोइंग टू फोकस हियर. नाउ एम आई गोइंग टू डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग अ प्रीमियम प्राइस, एम आई गोइंग टू डिफरेंशिएट बाय चार्जिंग द लोएस्ट प्राइस, एम आई गोइंग टू डिफरेंशिएट बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिक प्रोडक्ट, और एम आई गोइंग टू डिफरेंशिएट बाय मे बी क्रिएटिंग अ डिफरेंट ब्रांड वैल्यू ऑल टुगेदर. मैं कैसे डिफरेंशिएट करना चाहूंगा उसका लॉजिक देगा वो कोई ना कोई, जिससे आपको लगेगा नैरो मार्केट भी टारगेट करना है एंड यूनिक एस्पेक्ट भी है, तब के वो कहलाएगा फोकस्ड डिफरेंशिएशन. जब वो बोलता है, सबसे डाउटफुल है फोकस कॉस्ट लीडरशिप, जब वो बोलता है जब आप कंपीट करना चाहते हैं फॉर अ नैरो मार्केट एंड यू वांट टू कंपीट बेस्ड ऑन मार्क द वर्ड प्राइस. यार कॉस्ट लीडरशिप अचीव होने के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के लिए मासेस चाहिए. ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आपको एक नैरो मार्केट में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आएगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज एक्चुअली नॉट सूटेबल. इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में मिलेंगे ना वो किधर मिलने वाले हैं? फोकस्ड डिफरेंशिएशन पे ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है, वो अपने आप में मिसलीडिंग हो जाएगा कि अगर मार्केट साइज बड़ा है तो नैरो मार्केट ही नहीं है, तो फोकस स्ट्रेटेजी नहीं है. तो इट्स गोइंग टू बी फोकस्ड डिफरेंशिएशन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट लीडरशिप में पॉइंट नंबर ए मार्क कर लीजिएगा, जहां पर आपको प्राइस के बेस पे कंपीट करना है, आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना चाहते हैं बट मार्केट जो है वो क्या है, नैरो मार्केट है. मेरे हिसाब से बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टिंग विद ईच अदर. इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, यू नीड अ बिग चंक ऑफ मार्केट साइज. बिना मार्केट साइज के अच्छा कॉस्ट लीडरशिप अचीव ही नहीं हो सकता है. सो इट्स फाइन, इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी, यू शुड नो पॉइंट नंबर ए, दैट्स सफिशिएंट. अभी गुड. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कब फोकस स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए एंड इसमें रिस्क क्या है. पढ़िए, बहुत सिंपल से एक एक पॉइंट लिख के दिए, कुछ ग्रेट नहीं है. कब फोकस अप्लाई करोगे? जब सर कंज्यूमर्स के एकदम डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस है, मतलब एक कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन ही अलग है और ये एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है ना वो इनके लिए परफेक्ट है ही नहीं, इनका एक्सपेक्टेशन अलग है. ऑल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आर नॉट द राइट फिट. तो मतलब इधर इनको फोकस करके अलग से प्रोडक्ट बनाना चाहिए. साउंड्स लाइक फोकस प्लस डिफरेंशिएशन, साउंड्स लाइक फोकस प्लस डिफरेंशिएशन. देखो राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन द सेम टारगेट सेगमेंट. मतलब इनके लिए कोई राइवल फर्म प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहता है, इसीलिए आपको लगता है इनके लिए एक अलग प्रोडक्ट बना करके बेचने का ट्राई करना चाहिए. एक क्लासिक एग्जाम्पल देखिए, थार क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फोकस डिफरेंशिएशन, इट वर्क. सो एवरी वन हु वॉन्ट्स टू बाई अ जीप बट कैन नॉट अफोर्ड अ जीप इन ए कंट्री लाइक इंडिया, इट्स वेरी सेंसिबल. एंड आपको अगर लगता है कि मेरे को 50 लाख 70 लाख खर्च नहीं करने का है और अगर आपको चीप लुकिंग कार चाहिए, थार इज अ ऑल्टरनेटिव एंड ब्यूटिफुली मेड, अप्रोप्रिएट फ्रॉम अ कंट्रीज कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट वर्क. एंड देखिए इट वर्क इन द मार्केट, हालांकि मतलब अंदर से बट स्टिल गिर गया, ये आ गया वापस. डिफिकल्ट ऑनलाइन स्टूडेंट जोन में कुछ नहीं पढ़ रहा है, तुम टेंशन मत लेने का, मैं रुका हुआ इधर ही. हाँ हाँ बोलो. व्हाट और उससे फायदा क्या होगा? नो बिजनेस वांट्स टू कट डाउन देयर प्रॉफिट मार्जिन. हमेशा मेन ऑब्जेक्ट तो मार्जिन से इंप्रूव करना रहेगा. पॉसिबल है, देन इट इज नॉट कॉस्ट लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप इज तू अपना खर्चा कम कर रहा है, तो मार्जिन कम कर रहा है मतलब सेलिंग प्राइस नीचे लेके आ रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? एंड लॉन्गर रन के अंदर सर्वाइव थोड़ी करेगा. अरे बराबर है, उसके लिए कॉस्ट कम नहीं होता, उसके लिए तू बोलेगा एडिशनल खर्चा इंकर करेगा, बट वो एक ऐसे हेड में जाएगा दैट इज नॉन रेकरिंग. आई विल डिवाइड दिस एज अ मार्केटिंग कॉस्ट टू अक्वायर अ मार्केट शेयर, बट दैट इज समथिंग आई विल इन्वेस्ट ओनली फॉर 2 to 3 years. Once the market share is acquired, मैं उस cost को manufacturing cost में associate ही नहीं करूंगा. मैं बोलूंगा ये market share acquire करने का cost है. That doesn't impact cost leadership. Online students, please confirm. I think now I am audible to you. Is this fine now? Perfect. चलिए. प्रॉब्लम क्या है, रिस्क क्या है? जिधर आप फोकस करें कोई और भी फोकस करेगा. नंबर वन, द पॉसिबिलिटी दैट अगर एक बार आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो सर सेम स्ट्रेटेजी कोई और भी यूज करने का ट्राई करेगा. दूसरा चीज जो आपको लग रहा था कि कंज्यूमर के लिए कोई अलग प्रोडक्ट की जरूरत है, व्हाट इफ दैट नीश मार्केट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ अ नॉर्मल मार्केट.
मतलब पहले लग रहा था ये मार्केट अलग है, इसे कुछ अलग चाहिए जिसके लिए मुझे प्रोडक्ट बना करके बेचना चाहिए, अब उसे लगता है मुझे भी वो अलग प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, दैट मार्केट बिलीव्स दैट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ अ नॉर्मल मार्केट ओनली, इन दैट केस द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट नीश मार्केट इज गॉन. नाउ इफ द रिक्वायरमेंट इज गॉन, आपके बिजनेस का स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. कैन आई से दैट स्मॉल मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था अब वो मासेस से क्या हो गया है, मर्ज हो गया है. अगर वैसा हो जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं आएगी. दैट इज नंबर टू, दैट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डिजायर्ड बाय द मार्केट एज अ होल. मतलब मासेस जैसा ही उनका थॉट प्रोसेस हो जाएगा, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका फोकस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू फेल. रिमेंबर, फोकस के अंदर मेरे को पॉइंट नंबर वन आना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ फोकस. एक ऐसा सेगमेंट चूज करो जो एक डिसेंट साइज होल्ड करता है, डिसेंट ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड करंटली वो किसी का भी सक्सेस का क्रूशियल रीजन नहीं है, ये मुझे पता होना चाहिए. फिर सर, फोकस को मैं अलोंग विद डिफरेंशिएशन, अलोंग विद कॉस्ट लीडरशिप यूज कर सकता हूं. आई शुड नो दैट इफ दे पुट यू इन द क्वेश्चन कि इट्स अ फोकस प्लस, मतलब नैरो मार्केट प्लस यूनिक फीचर, सो विल से इट्स अ फोकस प्लस डिफरेंशिएशन. यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट. रिस्क सिंपल है सर, सेम जगह पे कॉम्पिटिटर भी फोकस करना शुरू करेंगे, या शायद आपके जो टारगेट मार्केट है उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे. तो सर आपके लिए फोकस स्ट्रेटेजी चैलेंजिंग बन सकता है. लास्ट वन, अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी, पेज नंबर 3.36. हाउ कैन यू अचीव अ फोकस स्ट्रेटेजी? सबसे पहले वो नीच मार्केट ढूंढिए. बिना उस मार्केट को ढूंढे आप फोकस स्ट्रेटजी लगा ही नहीं सकते. आइडेंटिफाई दैट नीश मार्केट दैट नो वन इज टारगेटिंग टुडे. फिर वो नीश मार्केट को क्या चाहिए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. मतलब वो मार्केट का एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही होगा. वो मार्केट ढूंढो, उसके लिए प्रोडक्ट बनाओ, एंड आप अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि वो प्रोडक्ट आप ही बेस्ट बना सकते हो फॉर दैट मार्केट. जब तक आप ये नहीं करोगे आप फोकस को बराबर से अचीव नहीं कर पाएंगे. नंबर वन, पहले वो स्पेसिफिक नीश जो कोई आज की तारीख में कवर नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएटर वहां फोकस नहीं कर रहा है, कॉस्ट लीडर फोकस नहीं कर रहा है, वो नीश मतलब एक नैरो मार्केट ढूंढिए. नीश हियर रिप्रेजेंट्स द नैरो मार्केट. वो नैरो मार्केट ढूंढिए जो करंटली कोई फोकस नहीं कर रहा है. फिर ऐसे स्किल्स को बिल्ड कीजिए जिससे आप उस मार्केट को बेस्ट पॉसिबल तरीके से केटर कर सकते हैं. आपके अलावा शायद उस मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को कोई बीट ही नहीं कर सकता है. नंबर थ्री, फिर अपना ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव कीजिए ताकि वो मार्केट को आप बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं. एंड सर, इनोवेटिव तरीके ढूंढते जाइएगा ओवरऑल वैल्यू चेन को मैनेज करने के लिए. मतलब टू सर्व दिस मार्केट बेटर, हमें शायद बेहतर रॉ मटेरियल्स अक्वायर करने पड़ेंगे, हमें बेहतर लोग लगेंगे जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे. मतलब ओवरऑल जो रॉ मटेरियल अक्वायर करने से लेकर के आफ्टर सेल सर्विस तक का पूरा वैल्यू चेन है वो आपने इंप्रूव करते रहना चाहिए ताकि वो मार्केट को लगे इस मार्केट के लिए एक ही कंपनी एग्जिस्ट करता है, एक ही प्लेयर एग्जिस्ट कर सकता है जो इतना बेहतर तरीके से आपको सर्व करता है. जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे फोकस स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं होगा. Think about it. When Book My Show came, it was also kind of focus strategy. Book My Show, once upon a time, there was no other alternative, if you understand this. तो कभी कभी फोकस धीरे धीरे ब्रॉडर मार्केट के लिए बन सकता है. पहले उन्हें लगा बहुत कम लोग ऑनलाइन टिकट खरीदने में बिलीव करेंगे, एंड फ्रॉम देयर दैट मार्केट बिकेम बिग, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से ही वो फोकस स्ट्रेटजी खत्म हो गया. इट बिकेम अ ब्रॉड मास मार्केट एंड सडनली नए प्लेयर्स भी एंटर होने शुरू हो गए, बट उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला. क्या मिला? बिकॉज ऑफ दैट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल था फॉर सम ईयर्स, बट इट मे नॉट ऑलवेज वर्क लॉन्गर रन के अंदर. जस्ट इमेजिन द वे डिजिटाइजेशन वर्क्स. आई एम श्योर एवरी मूवी हॉल, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीवीआर आईनॉक्स का तो खुद का ऐप और वेबसाइट एग्जिस्ट करता है. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हर इंडिविजुअल जो मूवी हॉल ओनर है वो अपना अच्छा ऐप या अपना वेबसाइट बना के रखेगा, या डायरेक्टली गूगल के थ्रू कोलैबोरेशन रहेगा फॉर द पेमेंट्स. And you will not have to go to Book My Show for that purpose specifically. So that risk is always there. धीरे धीरे जब industries बदलते हैं, technological breakthroughs change होते हैं, आपके strategies भी fail हो जाते हैं. Do you understand? How do you achieve focus strategy? मुझे यहाँ पे achieving important नहीं लगता है, मुझे यहाँ पे focus differentiation important लगता है and risk important लगता है. जो आज तक common questions पूछे गए उनके point of view से आपको बता रहा हूँ.
क्या फिर से इंटरनेट गया? क्या अभी चल रहा है क्या? चलिए लेट्स गो टू द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी. दिस इज गुड फॉर एमसीक्यू, नॉट ग्रेट कंटेंट, बट लॉजिकली बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है समझने के लिए. पॉइंट नंबर 3 को मार्क कीजिएगा, एक सिंगल सेंटेंस है दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर. सुनिए ये क्या बोलता है. यू हैव टू वेज टू लुक एट अ सिचुएशन. आपको लगता है आज की तारीख में ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एंड देर इज अ एक्सपेक्टेड क्वालिटी लेवल फॉर अ प्रोडक्ट एंड देर इज अ फेयर प्राइस. एक्सपेक्टेड क्वालिटी एंड फेयर प्राइस. आप एक काम कीजिए, या तो सेम प्राइस चार्ज कीजिए, बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए. मतलब यूज डिफरेंशिएशन प्लस कॉस्ट लीडरशिप इन दिस मैनर कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर है बट प्राइस सेम है, तो लोगों को क्या लगेगा, दिस प्रोडक्ट इज मोर वैल्यू फॉर मनी. लोगों क्या लगेगा, दिस प्रोडक्ट इज मोर वैल्यू फॉर मनी. सो यू प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स और अ बेटर प्रोडक्ट बट फॉर द सेम प्राइस. सो पीपल विल कंपेयर योर प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स एंड प्रिफर योर प्रोडक्ट बिकॉज देर आर एडिशनल फीचर्स बट द प्राइसिंग इज सेम. दिस इज वन वे. अनदर वे, इफ यू बिलीव एडिशनल फीचर एड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉस्ट लीडरशिप इतना बढ़िया से अचीव कीजिए कि आप सेम प्रोडक्ट दीजिए बट इसमें प्राइस कम कर दीजिएगा. प्रोडक्ट सेम दीजिए बट क्या कम कर दीजिएगा, प्राइस कम कर. मतलब अब इस केस में भी क्या लगेगा, योर प्रोडक्ट इज मोर वैल्यू फॉर मनी. सी वैल्यू फॉर मनी इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट प्राइस यू आर चार्जिंग. सो मैं सेम प्राइस चार्ज करके बेहतर दूंगा तो आपको बेटर लगेगा, अगर मैं कम प्राइस चार्ज करके सेम प्रोडक्ट दूंगा तब भी आपको बेहतर लगेगा. दोनों में से कोई भी तरीका, एंड रादर वो लोग ऐसा बोलते हैं दोनों साथ साथ चलते जाएगा बिकॉज हर बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा एंड हर बार प्राइस रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपने ये अचीव किया. डोंट थिंक मे बी मार्केट का नॉर्मल प्राइस ये बन जाएगा. सी धीरे धीरे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर का रेस्पॉन्स प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. आपने प्राइस कम किया, हो सकता है सबने प्राइस कम कर दिया. आपने फीचर्स ऐड किया, सबने सेम फीचर्स ऐड कर दिया. सो ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है टू बिकम अ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर. इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू बिकम अ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, बट इफ यू कीप थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन तो शायद आप बेटर होते जाएंगे. इसमें आपको डिफरेंशिएशन भी दिमाग में रखना है एंड कॉस्ट लीडरशिप, दोनों का इनडायरेक्टली एक कॉम्बिनेशन है. पढ़िए, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर द मनी बाय एम्फसाइजिंग, मार्क द वर्ड, लो कॉस्ट एज वेल एज बेटर क्वालिटी डिफरेंसेस. दोनों चीजें, कॉस्ट भी कम करना चाहते हैं, क्वालिटी भी इंप्रूव करना चाहते हैं. मतलब आप क्या करेंगे, या तो प्रोडक्ट ऑफर करेंगे एट अ लोअर प्राइस देन वॉट इज बींग ऑफर्ड बाई द राइवल्स, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कंपेरेबल क्वालिटी फीचर्स. मतलब सेम क्वालिटी फीचर बट द प्राइस विल बी लोअर देन द मार्केट प्राइस. इस पॉइंट नंबर एक क्लियर टू यू. नंबर बी, या सर आप सेम प्राइस चार्ज करेंगे बट इस बार जो प्रोडक्ट देंगे दैट विल बी ऑफ हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स. इस वजह से बेसिकली आपको एक गेम जीतना है. व्हाट गेम सर? व्हाट एवर प्राइस कस्टमर इज पेइंग, उसे लगना चाहिए उसे वैल्यू कितना मिला है. अगर उसे लगता है आपका प्रोडक्ट खरीद करके द प्राइस व्हाट आई एम पेइंग उससे मुझे वैल्यू ज्यादा मिलती है, वो आपका प्रोडक्ट चूज करेंगे और शायद रेकरिंग बेसिस पे आपके प्रोडक्ट के साथ में ही एसोसिएटेड रहेंगे. बट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड स्ट्रगल. दिस इज नॉट ईजी फॉर दिस कॉन्स्टेंटली कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन दोनों पे काम करना पड़ेगा. आपको बार बार कुछ ना कुछ नई चीजें भी ऐड करती रहनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम कॉस्ट भी बढ़ना नहीं चाहिए. दोनों को कंट्रोल में रखना इज गोइंग टू बी लिटिल बिट चैलेंज. But yes, this is called as best cost provider strategy. Just imagine why a company like OnePlus or Oppo Vivo targets India and not US. They don't. You'll hardly find them in US market. Why? Because the buyers are not price sensitive. The buyers are not value conscious. Their buyers are purely loyal buyers. In India, we have really high value conscious buyers. Because of which they will evaluate the value and then make a decision. And because of which someone who believes ki yahan ka market crack karna aasan hai, India ke andar survive karne ke liye Apple ke liye bhi utna tough competition hai jitna ek any other Chinese product ke liye hai. But the same competition is not same in US market. Their loyalty works. If you are associated with the product, people believe that is the best product, that's it. They will not even sit and compare. Rather, 5 years back people didn't even know what is OnePlus in US. Not exaggerating. उन्होंने पैसा खर्च ही नहीं किया मार्केटिंग पे उस कंट्री में क्योंकि इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी. दे न्यू उसका मोनोपोली आज तक सैमसंग ब्रेक नहीं कर पाया. मैं समझ में आया है क्या? तो हम नहीं कर सकते. इट्स ऑल्सो अ
indirect threat that there is a barrier to entry. The other player is so strong that you can't even enter in a zone. My country may enter bhi nahi kar sakte ho. That's how it is. Remember that. Anyways, do you understand best cost provider? Point number three ko padh lijiye. Achha concept hai. This is the end of Michael Porter's generic strategies. Let's discuss few questions. Kuch question padhe ek do. Chaliye, let's go to one or two questions. SM. We have to go to chapter number 3. Abhi bahut sare questions discuss nahi kar payenge kyunki some part of the chapter is pending. Competitive advantage, core competency. Chalo. Question 4 padhiye. Page number 3.7. Question number 4. Airline industry in India is highly competitive with several players. I think jab likha tab several players the. Businesses face severe competition and aggressively market themselves with each other. Luxury jet is private. Ek company ka naam hai. Private Delhi based company with a fleet size of 9 small aircrafts, sitting capacity ranging between 6 to 9. Okay. These aircrafts are chartered by business houses and high net worth individuals for their personalized use. With customized tourism packages, their aircrafts are also often hired by foreigners. Identify and explain Michael Porter's concert generic strategies followed by luxury jet. Can I say ek specific market ke liye target kar raha hai? It's not like a normal airline. It's not like Air India and Indigo. Can I say focus strategy hona chahiye? Ab isme question mein sab wapas yahi bol raha hu. Focus dhoond karke likhna aasan hai, but unke question ko baar baar padhna padega. Focus agar hai to problem hai, kyunki focus se apne cost leadership bhi aa sakta hai, differentiation bhi aa sakta hai. See, cost leadership differentiation independent hai. Udhar content bahut sara hai, likhne mein maza aata hai. Aise individual question poochta hai. Sabse problematic hota hai focus ke sath mein. Wo cost leadership attach karna hai, डिफरेंशिएशन अटैच करना है या सिर्फ फोकस लिखना है. इट्स अ टफ कॉल. आई एम टेलिंग यू दिस इज द ओनली पैथेटिक एरिया इन एंटायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जहां आंसर ढूंढना मुश्किल होता है. वापस से कैन आई से ये लग तो फोकस रहा है क्योंकि एक नैरो मार्केट रहेगा इसके लिए यार. वो बोल रहे हैं ना, दे आर ऑफन चार्टर्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेज एंड हाई HNIs. कैन आई से इट्स अ स्मॉल मार्केट, नैरो मार्केट जिसको वो टारगेट करने का ट्राई कर रहा है. With customized tourism packages, थोड़ा यूनिक फीचर एड करने का ट्राई कर रहा है. अगर वो लाइन नहीं होती तो मैं बोलता इट्स अ प्योर फोकस. मैं आपको बोल रहा हूं आईसीआई का बहुत घटिया तरीका है. आपको थोड़ा सोचना पड़ता है वो कैसे पूछता है, फिर आंसर देना पड़ता है. आइए, द एयरलाइन इंडस्ट्री फेसेस स्टिफ कॉम्पिटिशन. ओके, दे हैव अटेम्प्टेड टू क्रिएट अ नीच मार्केट बाय अडॉप्टिंग विद स्ट्रेटेजी फोकस डिफरेंशिएशन. अब कुछ लिखना है नहीं, कुछ है ही नहीं ज्यादा लिखने के लिए. वो बोलेगा यूनिक फीचर है, नैरो मार्केट है. नंबर टू, अ फोकस स्ट्रेटजी रिक्वायर्स ऑफरिंग यूनिक फीचर्स दैट विल फुलफिल द डिमांड ऑफ अ नैरो मार्केट. बस अभी क्वेश्चन रिपीट करना शुरू कर देगा. लग्जरी जेट कंपीट कर रहा है इन अ मार्केट बेस्ड ऑन यूनिकनेस एंड दे आर टारगेटिंग अ नैरो मार्केट विच प्रोवाइड्स बिजनेस हाउसेस HNIs टू मेंटेन देयर स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स. अपने हिसाब से लिख रहा है वो. द ऑप्शन ऑफ चार्टर फ्लाइट्स प्रोवाइडेड सेवरल एडवांटेजेस. आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, प्राइवेसी मिलता है, लग्जरी मिलता है, कभी कभी कॉस्ट बेस कस्टमर के पॉइंट से लिख रहे हैं. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम कन्वीनियंस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है. ट्रैवलिंग बाय प्राइवेट जेट इज मोस्ट कंफर्टेबल, सेफ, सिक्योर. आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल इसने लिखा है तो ठीक है. Chartered services in airlines can both have business and private use. Personalized tourism packages can be provided to those who can afford it. कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब इट्स ऑल बकवास. ढूंढने का क्या है, कौन सा स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर एक लाइन ढंग से लिखना आना चाहिए. बाकी क्वेश्चन में जो है उसके अराउंड जो मन में है लिखो. मैं तुम्हें बता रहा हूं ये टफ एरिया है. किस्मत बढ़िया कब होती है, जब पूछता चुपचाप एडवांटेज लिख दो, डिसएडवांटेज लिख दो. जब ऐसा नहीं आया तो आपको अपने हिसाब से स्टोरी बिल्डिंग करना पड़ेगा. इसीलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ने का, स्ट्रेटेजी सही ढूंढने का, दिस इज प्रॉब्ली अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. समझा क्या, किसी को डाउट था? किधर लिखा है? मे बी उनको लग रहा होगा कि मेरे लोगों को अगर नो, इट्स एक्चुअली पॉसिबल. फॉर एग्जांपल, यू नो द प्राइसिंग फॉर अ फर्स्ट क्लास टिकट कैन फ्रॉम हियर टू यूएस कैन रेंज फ्रॉम 3.5 लाख टू 5 लाख रुपीस. एंड इफ यू गो टू एमिरेट्स इट कैन बी 10 to 12 लाख रुपीस. 6 डायरेक्टर्स अगर जा रहे हैं मेरे लिए, प्राइवेट जेट विल बी फार चीपर.
Plus, do you know there's a policy sometimes, like in bigger organization, the entire BOD cannot fly in the same flight. You know this, right? They have a policy because all important people flying in the same flight carries a very high risk. No, it's actually a fact. Every business has this policy. This is very common. Agar aapke business ke founders do teen hi hai, for example, they were attending a meeting, they should never fly in the same flight. I'm not exaggerating, I'm telling you. Rather, I still remember Deloitte had a partners. So normally अपना CEO hire करने के लिए they call all their partners from around the world for the voting. So just imagine in one city, all partners of Deloitte across the world are in one city. And if they are in the same line of hotels, it's very risky. It's like a 60-70 billion dollar organization को own करके run करने वाले लोग 3 दिन के लिए एक ही lane में हैं. So they try to differentiate the leadership ke levels ke hisab se. They don't make them stay in the same hotel. It's not because wo differentiate karna chahte hai, zyada luxury kam luxury hai. No. They try to differentiate because all people should not be at one place and they all are very important people. If there is any inherent risk, koi bhi alag tarike ka, any danger, so the entire company is endangered. You understanding this? These are the common decisions. Haan, ye cost point of view wo ho sakta hai. I believe. Yeah. And sometimes it's cheaper actually. It is. Because first of all, वो फर्स्ट क्लास में जो आप ट्रैवल करेंगे आपको 4 बॉडीगार्ड भी लेके जाने पड़ेंगे, आपको उनका भी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है. इट्स अ फैक्ट, इट्स वेरी कॉमन. एंड प्राइवेट जेट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव नाउडेज़. चॉपर तो इज वेरी चीपर. हाँ, आपको पुराना अगर सेकेंड हैंड चॉपर लेने का तो मेरे हिसाब से 50-60 लाख में तो आ ही जाता है. या द मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई. रहने दीजिए, वी शुड नॉट डिस्कस टू मच ऑन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच स्ट्रेटेजी फोकस्ड डिफरेंशिएशन. चलो क्वेश्चन नंबर 5. जेनेक्स इज अ कंपनी दैट डिजाइन्स, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इट इज वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट हैज हेल्प द कंपनी टू हैव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर. इनोवेशन अच्छा है इनका. ओके. इट ऑल्सो स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड यू नो कम्स अप विद इनोवेटिव सॉफ्टवेयर. ऑफन द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर नॉट अवेलेबल विद द कॉम्पिटिटर हेल्प देम टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. Genex, using the strategy, is consistently gaining its position in the industry over competitor. Identify and explain Porter's generic strategy जो उन्होंने यूज किया है. डिफरेंशिएशन ही है यार, बराबर है ना? कोई ऐसा टारगेट वार्केट बता ही नहीं रहा ना. जनरली बोल रहा है तुम बेटर प्रोडक्ट बना के दे पा रहे हो जो यूनिक है इन कंपैरिजन, जिससे आपको फायदा मिल रहा है. इट्स गोइंग टू बी डिफरेंशिएशन. देखिए, अकॉर्डिंग टू पोर्टर, 3 स्ट्रेटेजी होती है: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस. जेनेक्स हैज ऑप्टेड डिफरेंशिएशन. वो ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहा है जो कस्टमर को बेटर वैल्यू देते हैं. दे आर यूनिक, दे आर सर्विंग स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स जो कोई और कंपनी मीट नहीं कर रहा है. जनरली हाईली डिफरेंशिएटेड यूनिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करते हैं टू चार्ज ए प्रीमियम प्राइस. ही अपने मन से लिख रहा है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में शायद नहीं था क्योंकि डिफरेंशिएशन के बारे में लिखेगा क्या ना भी. अंडरस्टैंडिंग दिस. नेक्स्ट, दिस इज एम्ड एट, आगे लाइन पे आ गया डिफरेंशिएशन ढूंढने के बाद. पॉइंट नंबर 1, एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट. इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट. सेम कॉपी पेस्ट है पॉइंट नंबर 1 तुम्हारा. तुम्हारे डिफरेंशिएशन का पॉइंट नंबर 1 है. मैं जो तुमको हर चीज का पॉइंट नंबर 1 बोलते रहता हूं, हमेशा आंसर में वही होगा. आई नो आईसी है, उन्होंने नहीं विश्वास कर रहे ना तुम. फर्स्ट पॉइंट है ये, पढ़ो डिफरेंशिएशन, रीड फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, 100% वही लिखेगा वो. बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को, मैं जानता हूं उनको कैसे लिखते हैं. सेम पॉइंट है कि नहीं है? वर्ड बाय वर्ड, दैट इज हाउ इट मैचेस विद योर सजेस्टेड आंसर. इसलिए जो आपको बोला जाए वो ढंग से पढ़ने का, कुछ नहीं करने का. वही दोनों पॉइंट लिखे हुए, वो पॉइंट नंबर 1 ही 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है. ठीक है क्या? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं. सोहन एंड रमेश आर टू फ्रेंड्स हु आर पार्टनर्स इन देयर बिजनेस ऑफ मेकिंग बिस्किट्स. ओके. सोहन बिलीव इन मेकिंग प्रॉफिट्स थ्रू सेलिंग मोर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स. ओहो. हेंस ही बिलीव्स इन चार्जिंग लेसर प्राइस टू द कस्टमर्स, क्वांटिटी वाला. रमेश हाउएवर ऑफ द ओपिनियन दैट हायर. अरे तुम कॉस्ट लीडरशिप कैसे डिसाइड कर लिए? पहले क्वेश्चन में देखो तो सही वो स्ट्रेटेजी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा. ये जो कंक्लूजन जो अपना ड्रॉ करने का आदत है ना, वो छोड़ दो. क्वेश्चन पढ़ने का, लास्ट लाइन ढंग से पढ़ने का, फिर चैप्टर पे आने का, फिर आंसर सोचने का. फिर देखो. हाँ, हाउएवर रमेश
wants to charge a higher price and want to create an image of exclusivity for this. He proposes that the product to undergo some change. Analyze the nature of generic strategy. अब पता होना चाहिए कि माइकल पोर्टर की स्ट्रेटजी को जेनरिक स्ट्रेटजी बोलते हैं, वरना बहुत मजा आएगा। तुम सोचोगे इतनी स्ट्रेटजी है, स्टेबिलिटी लगाऊं, एक्सपेंशन लगाऊं, उधर आईसीए भी बहुत महान है, उसने भी तो ढंग से बाइफरकेशन किया नहीं कि कॉर्पोरेट लेवल कौन सा है, बिजनेस लेवल कौन सा है, उधर जेनरिक स्ट्रेटजी बोला तुम, खत्म। सुनिए, जो आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज थे उनको बिजनेस डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बोलते हैं, ग्रैंड स्ट्रेटजीज बोलते हैं, अलग अलग नाम है। माइकल पोर्टर के स्ट्रेटजी को जेनेरिक स्ट्रेटजीज बोलते हैं, ये वर्ड पता होना चाहिए। अभी दो लोगों का स्ट्रेटजी है, एक का कॉस्ट लीडरशिप है, दूसरे का क्या है, डिफरेंशिएशन है। आसान सा आंसर है, पढ़ के खत्म कर दो। आइडेंटिफाई करने का, फिर कॉस्ट लीडरशिप पे एक पॉइंट नंबर वन और डिफरेंशिएशन का पॉइंट नंबर वन, बहुत हो गया। इस चैप्टर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, बाकी चैप्टर में नहीं बोलूंगा, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेटजी चैलेंजिंग। सी, एक्सपेंशन में स्टेबिलिटी में डाउट ही नहीं आएगा, डाइवेस्टमेंट में डाउट ही नहीं आएगा, क्लियर है। यू आर सेलिंग ऑफ यूनिट्स, इट्स डाइवेस्टमेंट, यू आर ट्राइंग टू टर्न अराउंड, मतलब प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन रिवर्स कर रहे हो, टर्न अराउंड रहेगा। चैप्टर फोर इज नॉट चैलेंजिंग, थ्री में स्ट्रेटजी कौन सा है वो ढूंढना मुश्किल है, मैं आपको पक्का बोलता हूँ। तीनों में से एक पे क्वेश्चन 100% आएगा, एक क्वेश्चन उन्होंने सिंसियरली आज तक हर टाइम में पूछा है, चाहे कॉस्ट लीडरशिप आए, डिफरेंशिएशन आए या फोकस आए, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने का। इज दैट क्लियर टू यू? चैप्टर थ्री का एक मेजर पार्ट खत्म होता है, दैट इज आवर माइकल पोर्टर्स स्ट्रेटजीज। कौन कौन से? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, फोकस कैन बी फोकस डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, एंड द लास्ट वन जो मैं क्वेश्चन का वेट ही कर रहा हूँ, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। मेरे को नहीं लगता पूछेंगे, जनरली आस्क कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। अभी गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल मोस्टली रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल मोस्टली मेरे को लगता है विल हैव ऑडिट में 570 एंड मे बी 580 खत्म कर देंगे, मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को वो थोड़े अच्छे एसेज लगते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस टाइम, बिकॉज देर इज एडिशनल कंटेंट। वो दोनों पार्ट खत्म करेंगे। टुमारो वी मे नॉट हैव एसएम, आई विल कंफर्म यू, वी मे नॉट हैव, बिकॉज द इवनिंग टाइम वी हैव 2-3 इवेंट्स जो हमें अटेंड करने पड़ेंगे। आई विल जस्ट कंफर्म यू आफ्टर द ऑडिटिंग पार्ट, बट ऑडिट विल डेफिनेटली बी देयर, वी विल ट्राई टू कवर 570 एज वेल एज 580। वेरी गुड, इफ टुमारो वी डोंट हैव एसएम, मंडे विल डेफिनेटली हैव द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। सोचिए चैप्टर 3 भी हो जाएगा, मतलब 10, 10, 10, 30 मार्क्स हो गया है। वेरी गुड, थोड़े क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लो, एंजॉय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाटएवर यू हैव इन लाइफ।